अमृत गाथा है, आजादी की अमृत गाथा है, इसलिए हम लोग महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे। तो ये बार बार लगातार निरंतर अपने मन में सभी लोग बैठा लें कि इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, आचार संहिता लागू है, वो हमें किसी भी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त कार्यक्रम करने की इजाजत देता है। हम निष्पक्ष ढंग से मतदाता जागरूकता की बात करेंगे और स्थानीय निकाय हमारी दिनचर्या से जुड़ा होता है। जो भी पार्षद बनते हैं, जो भी पंचायत के अधिकारी बनते हैं, अभी बिहार में भी 18 और 28 दिसंबर को पंचायत चुनाव और मेयर के चुनाव की घोषणा हुई है, तो ये कार्यक्रम मतदाता जागरूकता के लिए विशेष किया जा रहा है। देश भर में चुनाव हो रहे हैं, कई जगह चुनाव हो रहे हैं, हो भी गए, तो मतदाता जो है सही उम्मीदवार कैसे पहचाने और लोकतंत्र कैसे जीते, यानी निष्पक्ष चुनाव कैसे हों, हमारे कैसे कैंडिडेट होने चाहिए, इन सब चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भी याद करेंगे, क्योंकि गीता जयंती 3 दिसंबर को मनाया गया और गीता जयंती सप्ताह है, आप कह सकते हैं चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश यानी कि श्रीमद् भगवत गीता को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को ज्ञान, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण गुणों से अवगत कराया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो इसका ये मतलब है, वो भी बताना चाहेंगे कि इस श्लोक का अर्थ है कि मैं अवतार लेता हूं, मैं प्रकट होता हूं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक में कहा। आज हम लोगों के बीच हमारे आरजेएस फैमिली के सकारात्मक भारत उदय सूचना केंद्र के पूर्व प्रभारी श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी एक साधक हैं और गीता को लेकर उन्होंने अपने ढंग से काफी अनुवाद की श्रृंखला शुरू की है। तो मैं स्वागत करते हुए साधक डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को आरजेएस की आजादी की अमृत गाथा के 104वें अंक में आमंत्रित करता हूं। सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे आज मातरम। की इस बैठक में, इस वेबिनार में श्री जगत गुरु कृष्ण को याद करके हमने अपने अंदर के स्वयं के स्वामित्व गुरु सूर्यालोकित मन को जागृत कर दिया है। हमारा यह काम सदा से चला आ रहा है। हमें इस तरह से जगत गुरु मिल चुके हैं श्री दिदेवाग जी, और उनके दिशा निर्देश को मानते हुए, अनुकरण करते हुए और गीता के ज्ञान को अनुकरण करते हुए मैं सबसे पहले उस अज्ञात मेरे अपने गुरु भाई को नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ जिन्होंने कुछ 1 हफ्ता 15 दिन पहले के बीच में उन्होंने हमें आदेश दिया, निर्देश दिया कि गीता के 14वें अध्याय में जीवन रक्षा के सूत्र हैं। मैं
आश्चर्य हो गया, मैंने उसको अध्ययन किया, अनुकरण कर रहा हूँ, उनको सही ढंग के साथ शुरू करना चाहिए। इस संदर्भ में गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने, जगत गुरु ने ज्ञान दिया है कि हमारा जीवन, हमारा समुची प्रकृति तीन गुणों से बंधन में है। ये तीन गुणों के बंधन के कारण ही प्रकृति का अस्तित्व है। तो इन तीन गुणों से मुक्त होकर ही हम अपने जीवन को सकारात्मकता का परिणाम विश्व स्तर पर दे सकते हैं और विश्व को बदल सकते हैं और अपनी साथ समग्र लोगों की जीवन रक्षा कर सकते हैं। ये तीन गुण है सत्य, रज, तम। सत्गुण का जब हम अनुकरण करते हैं तो रज और तम बाधक आते हैं, उनकी बाधाओं को हमको नकार के सत पर अटल रहने की आवश्यकता ही सकारात्मक सोच है। दूसरा पॉइंट है कि जब रजोगुण आगे आता है तो हम सक्रिय होते हैं और सक्रियता के कारण हम बंधन में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें सक्रिय होने से कुछ परिणाम तो मिलता ही है, लाभ मिलता ही है, हम जो इच्छा करते हैं वो पूर्ण होती है, तो एक बार हमें सुख मिलता है, लेकिन अंतोगत्वा यह दुख का कारण बनता है। इसी तरह जब हम तमोगुण में रहते हैं तो हम तामसी होते हैं, हम में सहजता से हमारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, लेकिन वो विनाशकारी ही सिद्ध होती हैं, जीवन में अनुभव देती हैं। अतः रज और तम और सत भी त्याग्य है, इसलिए सत्य के प्रभाव में जब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बंधन में आ जाते हैं, तो हम घमंडी हो जाते हैं, हम अपने चरित्र में उसका पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाते हैं अपने सतोगुण शक्ति का। इसलिए हमें सावधान होकर अपना निर्णय लेना है, संकल्प लेना है, तदनुकूल अपने कार्यों को करते हुए उसमें परिवर्तन करना है, त्याग और पुनर्प्रयास से। इस तरह से गीता के सकारात्मक 14वें अध्याय के सकारात्मक शिक्षा को, त्रिगुणों के शिक्षा को, ज्ञान को पाने से हम सहजता से जीवन रक्षा करने में समर्थ हुए हैं और इसकी सफलता का लाभ मुझे मिला है। हालांकि मैंने लाइफ को लॉस भी किया है, लेकिन वो लॉस नहीं हुआ है, अंतिम लाइफ में भी उन्होंने इस रहस्य को खोल दिया है। जीवन अंत होने के बाद भी उनकी शक्ति ने, उनकी सोच ने इस अध्ययन में सहयोग किया है। मैं उस गतात्मा को नमन करता हूँ। इस चंद शब्दों के साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ, रोकता हूँ। अन्य लोगों की भी बातें हमें सुननी है। और इस जब आज का विषय जो है वो है कि मत चुनाव और वोट हम किसको दें किसको नहीं दें, ऐसी बात है। इस संदर्भ में गीता के इस ज्ञान के अनुसार गुण बंधन के कारण ही कोई भी व्यक्ति नकारा हो जाता है, चुनाव के बाद भी और चुनाव के पहले भी। वोटर की भी नियत बदलती है तो चुने गए लोगों की भी नियत बदलती है, वो ये तीन गुणों के कारण ही होती है। अतः हमें अपने पर भी, वोटर को भी, ये मतदाता, हमें यह समझ कर देना है कि हमारी सोच से हमारे चुने गए व्यक्ति हमारे ही विरोध में कोई काम न कर सके और हम भी किसी नेता के विरोध में हंगामा करके उनका अपमान नहीं करें, बल्कि उनकी श्रेष्ठता को
उजागर करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक निर्णय के साथ, सकारात्मकता पर विश्वास करें, यही एक उपाय इस समय रह गया है इस कलयुग में। नहीं तो नकारा टच करते ही वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन सकारा को टच करने के बाद उसको एक्टिव करना हमारा कर्तव्य है, यही हमारा अधिकार भी है कि हम सकारा हैं, हम नकारा नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये इतनी झंझट और समस्याएं आज की दुनिया में हम देख रहे हैं। इस संदर्भ में आप सबों से सकारात्मक होने की प्रार्थना करता हूं, और सबसे पहली प्रार्थना हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि जो भी इस धरती पर वर्तमान हम लोग हैं वो किसी भी कारण से कष्ट में नहीं गए, रोगी नहीं गए, स्वस्थ हो ना गए। अगर यह सोच दोनों तरफ से हो, सिख व्यक्ति भी करे और हम सभी भी ज्वाइंट रूप से उसके लिए सोच करके मौन रहकर ध्यान करें, तो स्वास्थ्य लाभ तत्काल और शीघ्र और देर से मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी साधक डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जो कि पूर्व प्रभारी आरजे सकारात्मक भारत उदय सूचना केंद्र पटना, आप सभी को मार्गदर्शन दे रहे थे, गीता का संदेश दे रहे थे, और गीता पर उन्होंने श्रृंखलाबद्ध ऑडियो बनाना शुरू कर दिया है। और आप जानते हैं आज एमसीडी दिल्ली नगर निगम का चुनाव चल रहा है, तो हम बार बार ये निरंतर बताते रहेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट जो चुनाव आयोग का है उसको हमें धारण करके इसे सफल करना है। मतदाता जागरूकता के रूप में हमारे भाई बहन जो दिल्ली से बाहर हैं वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। पटना, वहाँ बिहार में भी 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव है, और गुजरात में जैसे चुनाव चल रहा है और प्रचार भी चल रहे हैं और परिणाम भी आने वाले हैं, तो हमारा जो चुनाव है वो लोकतंत्र को मजबूत करता है और उसमें हम लोगों की भागीदारी होती है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान के सभापति थे, जिस तरह से उन्होंने संविधान का निर्माण करवाया, तो उनको भी हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि देंगे। और इसके लिए हम विशेष रूप से विनोद मेहरा जी, जो दिल्ली नगर निगम से जुड़े रहे हैं और दिल्ली नगर निगम को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनको हम आमंत्रित करते हैं। विनोद मेहरा जी, सादर आमंत्रित हैं आप। आज एमसीडी इलेक्शन भी हो रहे हैं और देश में चुनाव भी हैं, तो मतदाता जागरूकता के ऊपर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लेकर के उन लोगों ने क्या सपने देखे थे और चुनाव की व्यवस्था जो की थी उस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे। जी स्वागत है विनोद मेहरा जी। विनोद मेहरा जी अनम्यूट करके आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद मन्ना जी। हाँ, आज 104वां एपिसोड के ऊपर सभी का स्वागत करता हूं, और आज जो कार्यक्रम रखा गया, भारतीय संविधान ने दुनिया को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया भारत को, और संवैधानिक शक्तियां भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी मर्जी से जनता का राज स्थापित करवाती है। उसके लिए संविधान ने सभी लोगों को अपनी मर्जी से और सभी को हक दिया, सभी लोग मिलकर के भारत की राज व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए संविधान सभा ने पूरा अपना जितना भी बुद्धि बल था और भारत के लोग जो मिलकर के संविधान बनाए उसमें अधिक से अधिक कोशिश की गई भारत का इस प्रकार का संविधान हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ये महसूस करे कि राज्य में उसका हिस्सा है। इसके साथ भारत संविधान बनाया गया और देश की व्यवस्था इस प्रकार से बुनी गई। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव संपन्न हो रहा है
और निगम के चुनाव में अधिक से अधिक लोग अगर इसमें वोट डालेंगे तो ये होगा कि अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा चुनाव। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए, कंटिन्यू बोलिए, वो स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। ओके गो अहेड। ठीक। तो आज जो है 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम में जो चुनाव संपन्न हो रहा है उससे ये महसूस किया जा रहा है कि भी जनता की मर्जी से जनता का शासन दिल्ली में लागू होगा, क्योंकि निगम चुनाव में चुनाव करीब का चुनाव होता है और छोटी छोटी इकाइयों में स्वतंत्रता पूर्व अपना मौकों से हम लोग समाज में अपना राज कायम कर सकते हैं, जनता का राज कायम कर सकते हैं। तो इसके लिए अधिक आवश्यकता है कि हम संविधान का अक्षरशः पालन करें। इसके लिए आज जो भीड़ है चुनाव में, अच्छी भीड़ है और अच्छा काम देखने को मिल रहा है, और पार्षद जो कि प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा होता है, बहुत थोड़ी संख्या का वो जो है प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से जन जन का उसको समस्याओं का मालूम होता है, और इसलिए पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है ऐसे व्यक्ति को चुने जो कि जनता के सबसे करीब हो। हमें ये महसूस करना चाहिए कि जो धन और बल का प्रयोग करके लोकतंत्र को कमजोर ना करें, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जो कि जनता के द्वारा जनता के विचारों को जानने वाला व्यक्ति उस चुनाव में सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, हमें सभी को मिलकर के अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को छांटना चाहिए, और अच्छे उम्मीदवार जब हम छांटेंगे तो वो अच्छा राज दे पाएंगे। भारतीय संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके अध्यक्षता की और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर रहे, उन्होंने 2 साल 18 महीने 11 दिन में जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार किया, और उस संविधान में इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कहलाया। तो आज लोकतंत्र का पर्व है, और इस लोकतंत्र के पर्व में हम जो देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं हमारी बीच में, बड़ी बड़ी पार्टियों से जो उम्मीदवार आगे आते हैं वो काफी बाहुबली, और जो है जो कि हम आम जो भारत का निवासी है ये महसूस करता है कि मैं क्या सफलतापूर्वक भारत के राजतंत्र में शामिल हो सकता हूँ, भारत के लोकतंत्र में शामिल हो सकता हूँ, तो ये ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस करता है कि ये राज व्यवस्था मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है, मेरे पास इतना बल नहीं है अगर मैं जो है चुनाव लड़ सकूं। इसके लिए हमें अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी, और व्यक्ति को अपनी आजादी समझ करके और अपने अधिकारों का प्रयोग समझ करके ये आगे आना पड़ेगा, और ये महसूस करना पड़ेगा कि नहीं, मेरा भी स्थान बराबर है, क्योंकि हमें भारत का लोकतंत्र समान अधिकार देता है। तो समान अधिकारों के लिए जब तक आप आगे नहीं आएंगे तो राजनीति में सकारात्मक सोच आगे नहीं बढ़ पाए। तो सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने का यही तरीका है, अगर प्रत्येक विचारों को अहमियत दी जाए, किसी विचार को कम करके ना आका जाए, और आगे तो इसीलिए शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत अभी सुधार की आवश्यकता है, और लोगों के विचारों में बदलाव आना चाहिए, लोगों में नकारात्मकता दूर हटनी चाहिए, कि राजनीति में ऐसे ही लोग आएंगे, इस विचार को खत्म करना चाहिए, और पॉजिटिव विचार बना करके हमें आगे बढ़ना है, और ये कोशिश करनी है कि जो लोग अच्छा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, अच्छी समाज सेवा करना चाहते हैं, वो भी संविधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे आए, और वो भी इस MCD चुनाव में आगे बढ़ते हैं या दूसरे चुनाव में आगे बढ़ते हैं, तो संकल्प होगा, देश आगे बढ़ेगा। नेगेटिविटी निकाल देनी चाहिए, व्यवस्था जो केवल राज व्यवस्था है, जबकि लोकतंत्र में राज व्यवस्था की बात नहीं आती, लोकतंत्र में सभी को बराबर अधिकार है। तो हमें कोशिश करके उन सब उम्मीदवारों को भी कहना चाहिए भी नहीं, आप भी आएंगे, लोग आपके भी साथ होंगे, सिर्फ आवश्यकता है हमें अपने विचारों को प्रकट करने की,
हम लोग अगर विचार नहीं दे पाएंगे आगे, प्रकट नहीं कर पाएंगे किसी के सामने, तो हमें हमारी विचारधाराओं को लोग कैसे जान पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यवस्था देने की कोशिश करनी चाहिए कि कायम हो और देश बदलाव आ सके। धर्मों के नाम पे हमें अपने विचारों को अहमियत देनी पड़ेगी और देश को सकारात्मक भारत की ओर ले जाना पड़ेगा। और सकारात्मक भारत ही असली भारत, जो संविधानिक भारत है, जो संविधान बनाने वालों का का विचार संविधान बनाने वालों का सपना था, तो इस दिशा में उस लोगों को मिलकर के अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को चयन करना चाहिए। इसमें हमें पार्टियों, धर्म, जातियों के उम्मीदवारों की बात छोड़ करके हमें उनके विचार, उनकी शिक्षा, उनका उस प्रकार से हम लोग अगर चयन करेंगे तो बात ही अलग होगी और वो भारत देखने वाला भारत बनेगा, जो भारत विश्व के अंदर एक अलग अपनी छाप छोड़ेगा। तो ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ किसी प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं, किसी मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं, किसी और पार्टी के हाथ में नहीं। ये ताकत, ये शक्तियां संविधान हमारे को एक आम नागरिक को देता है और एक आम नागरिक वोट का अधिकार रखता है, वो भारत को बदल नहीं सकती। तो भारत को बदलने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए, नहीं मैं सक्षम हूं इस राजनीति में, मुझे मुझे जो है धन बल को रोकना है। और ऐसा भी संगठन होना चाहिए जो धन बल के बजाय अपने विचार दें चुनाव से पहले। अगर आप जब भी मत का प्रयोग करें तो मत डालने पर ये जा करें भारत के लिए या मैं शाही व्यवस्था के लिए, लोग उपयोग भी हैं और दुरुपयोग भी है। विनोद मेहरा जी, आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है विनोद मेहरा जी, तो इसलिए विनोद मेहरा जी आपके नेट में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ विनोद मेहरा जी, आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कोशिश करें कि खुली जगह पे रहें या खिड़की के पास रहें, जिससे कि नेट आवाज नहीं आ। हाँ आपकी आवाज जो है वो टुकड़े टुकड़े में आ रही है। आपने बहुत अच्छे विचार रखे, सकारात्मक विचार रखे विनोद मेहरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, देश के लिए आपने समय दिया और यही आरजेएस का राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर है। हम लोग आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हम बता दें कि देश में चुनाव हो रहे हैं और उसे लेकर हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुदीप साहू जी भी जुड़े, एक बार मैं बता दूं कि कौन कौन लोग जुड़े हैं। मोहम्मद इशाक खान जी जुड़ गए हैं और बिंदा जी और टेक्निकल टीम और संजीव दत्ता जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव दत्ता जी धन्यवाद। भारत प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, भारत प्रसाद जी आपका भी धन्यवाद। सरोज गर्ग जी नागपुर से जुड़ी हैं, पटना से ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, सुदीप साहू जी गाजियाबाद से और यूएसआरबी न्यूज पत्रकार भाई भी जुड़े हुए हैं और विनोद मेहरा जी जुड़े हुए हैं। तो अब हम एक कविता सुनाना चाहेंगे जो नागपुर से सरोज गर्ग जी ने तैयार किया है। सरोज गर्ग जी एक बैंक एम्प्लॉय रही हैं और सरोज गर्ग जी अपना बाकी लोग अपना म्यूट कर लें प्लीज। हमको कैसे? हेलो सर जुड़े हुए हैं, सर की तबीयत थोड़ी नासाज है इस वक्त, हम लोग दुआ करेंगे जल्द स्वस्थ हो जाएं। और मम्मी का मोबाइल दे दे। ये देखिए आप लोग जो है वो अपना माइक को म्यूट कर लीजिए, सरोज गर्ग जी का केवल ओपन रहेगा। सरोज गर्ग जी नागपुर से जुड़ी हैं, आरजेएस फैमिली से हैं और बैंक एम्प्लॉय रही हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। सरोज गर्ग जी आपकी कविता सुनने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं, चुनाव पर उन्होंने एक कविता तैयार की है। सरोज गर्ग जी स्वागत है जी। शुक्रिया मन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आप हाँ ओके थैंक यू जी जी गो अहेड जी। आज मन्ना जी लाइट नहीं है, बहुत दिक्कत हो गई एकदम प्रोग्राम में, और मैं सभी आदरणीयों का, सभी माननीयों का अभिनंदन करते हुए नमन करती हूँ। और मैं अपनी एक छोटी सी कविता प्रेषित करती हूँ जो इलेक्शन पे मैंने लिखी है। वैसे मैं
ये लगता है कि जैसे कि पूरे 5 साल इलेक्शन ही चलते रहते हैं, हम लोग कुछ काम देख पाते हैं नहीं पाते हैं ये तो भगवान ही जानता है। ये एक नियम पूरा समाप्त होना चाहिए, साल में एक बार ही अगर इलेक्शन हो तो अच्छा है। मैं अपनी एक कविता शुरू करती हूँ, आप लोगों की आज्ञा हो तो। एक बार एडजस्ट कर लीजिए आपका, फिर वो चेहरा जो है कट रहा है। हाँ ओके, अब ओके ओके। जी लोग, वोटिंग के ऊपर ही मैंने एक कविता लिखी है। चलो साथी करें वोटिंग, लोकतंत्र को बचाना है। चलो साथी करें वोटिंग, लोकतंत्र को बचाना है। क्या है कीमत हमारे वोट की, हमको दिखाना है। सही नेता चुने अपना, बेईमानों को भगाना है। कमल झाड़ू हाथ या हाथी, लोकतंत्र के बने साथी। नेताओं ने बदरंग देश को हमारे बना डाला, हमें मिलकर हमारे देश को ऐसा बनाना है। जहां सच्चाई और मेहनत की पूजा का हो नारा हो, अपनी धपनी ढपली बजाते हैं, राग अपने सुनाते हैं। घर घर घूमते आकर, घर घर घूमते आकर हमें उल्लू बनाते हैं। तुम्हें लालच दिखाते हैं, देश का मान गिराते हैं। एक बोतल या एक नोट दिखाकर लालच बनाते हैं। देश देते हैं सब ईमान, हमारा वोट गंवाते हैं। न उलझो इन बातों में तुम, सोच को अपने अंतर मन में। न उलझो इन बातों में तुम, सोच लो अपने अंतर मन में। दिखा दो अपनी शक्ति को आज के नौजवानों में। दिखा दो अपनी शक्ति को आज के नौजवानों में। प्रदेश भी हमारा है, ये देश भी हमारा है। जाति के नाम पर नहीं लुटना, हमारा अब ये नारा है। एमएलए हो या हो एमपी, सभी सच्चे बने साथी। देश को बेचने वालों को अब तो दूर भगाना है। जनता का जो रखे ध्यान, नेता तुम ऐसा चुन लेना। देश का नाम हो दुनिया में, ऐसा नेता बना लेना। देश का नाम हो दुनिया में, ऐसा नेता बना लेना। आज महिलाओं को मिला अधिकार, अब वो देश का उद्धार करें। देश की गाथा गा करके, देश का अपना नाम करें। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार मेरी कविता सुनने के लिए। धन्यवाद सरोज गर्ग जी, आपको उपस्थित आप... है जी, बहुत ही अच्छी कविता थी और जागरूकता की कविता थी। और एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आरजेएस की आजादी की अमृत गाथा का ये 104वां कार्यक्रम है और इसमें संजीव दत्ता जी भी जुड़े हुए हैं, जो उत्तर रेलवे में इम्प्लॉई हैं और बड़े अच्छे अधिकारी हैं। और मैं संजीव दत्ता जी आपको भी बुलाऊंगा
और लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता दूं कि प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी जो कंज्यूमर पॉलिसी के इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, और भारत प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद इशाक खान जी और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, सुदीप साहू जी और एक पत्रकार मित्र भी जुड़े हुए हैं USRB न्यूज। सुदीप साहू जी गाजियाबाद से जुड़े हैं। सुदीप साहू जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा क्योंकि आप एक प्रखर वक्ता भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और इसको किस नजरिए से देख रहे हैं जो देश भर में चुनाव हो रहे हैं, और जैसे सरोज गर्ग जी ने अपनी कविता में ये अपनी भूमिका में भी बताया कि साल भर चुनाव के मोड में रहना ये कहां तक उचित है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सरोज गर्ग जी ने, और ये पूरा देश जो है ना हमेशा चुनावी मोड में ही रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। चलो मैं मान लेता हूँ कि कहीं भाई टर्म पूरा हो रहा है तो जरूरी है कि उस टर्म के बाद इलेक्शन होना 6 महीने के अंदर जरूरी हो जाता है, वो बात ठीक है। और विभिन्न चरणों में चुनाव होना ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है देश के साथ। आप विभिन्न चरणों में जब आप एक दिन के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की क्षमता रखते हैं तो हर राज्य में 4-4 चरणों में, 3 चरणों में, 5 चरणों में, 8 चरणों में चुनाव कराए जाते हैं। एक एक चरण वाला वोट पड़ रहा है और दूसरे चरण में जो है रोड शो निकाले जा रहे हैं, 50-50 किलोमीटर लंबे रोड शो चल रहे हैं और उसमें एम्बुलेंस भी घुस जाती है बीच में आकर के। तो ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, ये दिखावा है। आप देखिए कि एक रोड शो में कितने करोड़ रुपया खर्च किया गया, कितनी मैन पावर लगी, और उसका जो है क्या होता है कि एक भीड़ तंत्र खड़ा कर दिया गया है, जो भीड़ तंत्र जो है ना जयकारा लगा रहा है, सिर्फ जयकारा लगा रहा है और समझ उसके कुछ नहीं आ रहा है। वो केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो है जो पढ़ता है वही वो बताता है, उसको समझता है कि जो इस बंदे ने कह दिया वो सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। तो ये सब बंद होना चाहिए। वोटर जो है समझदार बने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि समझदार वोटर बने। दो जून खाने के लिए जो है वोट ना दे, उसको हमेशा 5 साल के लिए बेहतर प्रशासन हो, और जो जो धर्म की राजनीति ना करे, जातियों की राजनीति ना करे, ऐसा हमें नेता चुनना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि अंत में जो है ना वो पानी जो गिरेगा ना, पतनाला जो गिरेगा वो जाति पे ही जाके गिरेगा, चाहे हम कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो जाएं और कितने ही समझदार बन जाएं। अभी हमें चुनाव के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि बहुत जनता को जागरूक करना है, और जैसे RJS का ये वेबिनार होता है ये जागरूकता फैलाने में बहुत कुछ रोल निभा सकता है। वोटर को कुछ पता ही नहीं है, कैंडिडेटों के बारे में नहीं पता है, अच्छा उनके मैनिफेस्टो जो है वो नहीं देते हैं, अगर दे भी दिया तो कहीं एक पकड़ा दिया किसी को, पूरे बता दिया कि सबको दे दिया हमने जाकर के। तो ये सब बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं या उनके जो समर्थक हैं उनको देख करके हमें डर ना लगे। आप ये देखिए कि बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना आप उससे डर जाएंगे, उनके जो साथी संगी आए होते हैं प्रचार में उनको देख के आपको भय लगने लगेगा। तो अगर हमें भय लगने लगे तो हमें उस प्रत्याशी को तो पहले सिरे से ही खारिज कर देना चाहिए कि भैया हमें तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया सेवा करते हो। तो बिल्कुल इनको नकार दिया जाए। जो जो शरीफ आदमी हो जिसकी बॉडी लैंग्वेज लगे कि यहाँ पे इससे कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं है, हमें उस व्यक्ति को चुनाव में जिताना चाहिए। और जब तक आदमी चुनाव में जीतेगा नहीं, चाहे नया व्यक्ति हो या पुराना व्यक्ति हो, पुराने व्यक्ति को तो हम परख चुके हैं, नए व्यक्ति को तो नहीं परखा है, एक बार हम नए व्यक्ति को भी देखें तो वो क्या काम करते हैं, 5 साल बाद फिर मौका, फिर भगा देंगे उनको, निकाल देंगे हम। तो हमारा यही कहना है कि हमें बहुत ही सजग होकर के, जागरूक होके चुनाव में जाना चाहिए। अभी आप देखिए दिल्ली के अंदर MCD का चुनाव हो रहा है और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है और वो देख रही है कि क्या काम होता है और क्या नहीं होता है। जो 15 साल से पहले से बैठे हुए थे वो पहाड़ तो कहते हैं कि ये पहले से ही चले आ रहे हैं कूड़ों के, लेकिन इनको भी समाप्त करने की जरूरत है। हमें उनको बारे में सोचने की जरूरत है जो उन पहाड़ पे जा करके कूड़ा बीनते हैं, उस पर ट्रक पे ले जा करके कूड़ा छोड़ते हैं, उनके स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें गंदगी फैलाने वाला नहीं, हमें गंदगी समेटने वाला बनना पड़ेगा, तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। हम सारा दोष जो है सफाई कर्मचारी पे, सरकार पे ही डालते रहे और कूड़ा भी जो है अपने आप से न समेटे अपना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत बात है। हमें अपने घर के बाहर सड़क जो है उसको अपने आप से ही बुहार लेना चाहिए। हम इंतजार न करें
कि वो आए। मैं अपने घर के सामने की सड़क है उसको अपने आप से साफ करता हूँ, केवल इसलिए क्योंकि हमें इंतजार नहीं करना है कि भाई कल सफाई वाला आएगा तो वो करेगा, पता चला ढेर लग गया। जब हमारे यहाँ साफ पड़ा होगा तो सफाई वाला भी साफ करके जाएगा और उसको ध्यान रहेगा कि यहाँ तो बहुत सफाई रहती है। हमें अपने कामों के द्वारा उनको भी मदद देने की जरूरत है कि उनको भी आराम मिले, सफाई कर्मचारियों उनका भी जीवन अच्छा। सारे जीवन केवल सफाई कर्मचारी काम ही करता रहे उसको अपने बारे में सोचने का कोई मौका ही ना मिले। हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सुदीप साहू जी। आपने अपने विचारों को व्यक्त किया और बड़े निष्पक्ष तरीके से जो आपको लगा, लेकिन आपने कहीं कहीं कुछ किसी सरकार के उसमें नहीं लिया, ये बहुत अच्छी बात है। आपने एक इश्यूज को डील किया है। हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, तो वो कंडक्ट जो है हम लोगों पे भी लागू है। और हम लोग राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के नेता हों, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं तो हम लोग उसको बढ़ावा देंगे। और पॉजिटिव पॉलिटिक्स के बारे में ही यहाँ पे सभी आरजेएस के प्रतिभागी जो है आजादी की अमृत गाथा के 104वें कार्यक्रम में बोल रहे हैं। हमें दलदल में नहीं फंसना है। आरजेएस जो है एक नया जो है वो एक विचार लेकर आए कि जो लोग भी नकारात्मक राजनीति के बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जनता उनको नकार दे। हम लोग आरजेएस में भी जो लोग नकारात्मक लोग हैं या जिनके विचार हैं उनको हम लोग नकारते हैं, और बड़े दावे के साथ हम लोग एक विकल्प प्रस्तुत किए हैं देश को कि नो नेगेटिव ओनली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चीजों को समझना और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं और कटिबद्ध हैं। और हम लोगों के साथ कंज्यूमर पॉलिसी के इंटरनेशनल एक्सपर्ट प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी का बरदहस्त प्राप्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। आरजेएस के एडवाइजर के रूप में उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को ट्रेड फेयर कवर करने के लिए कहा कि ये भारत की जो आत्मा है, यानी गांव गांव के लोग अगर दिल्ली में आ रहे हैं तो हमारा जो आरजेएस परिवार है वो उनको पत्रकारिता के माध्यम से समर्थन दे। तब हम लोगों ने इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है, उनके समर्थन से हम लोगों ने वहां पे एक विशेष पॉजिटिव जर्नलिज्म किया, और उसका प्रभाव जो है वो बड़े बड़े पत्रकारिता के संस्थान में मिला, जिसको कि ITPU CMD ने अवार्ड फंक्शन लास्ट में 27 नवंबर को बताया अपने में कि हमने बहुत सारी क्लिपिंग्स को देखा, लेकिन हमने पाया कि पॉजिटिव जर्नलिज्म जो है ट्रेड फेयर की गई है। तो उसका जो बेस बनाया गया कि जो भी पत्रकार थे वो केवल, क्योंकि वहां पे भार उसको नेगेटिव दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की बहुत सारी मंत्रालय जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बुनकरों को, कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को वो मुहैया कराते हैं स्टॉल। इसको भारत को बताना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। हालांकि इस बार हुनर हाट नहीं देखने को आया, निराशा मिली, जिसमें कि अल्पसंख्यक लोगों को एक बार जिंदगी में मौका दिया जाता था, जो पूरे भारत से आते थे। तो ये हम लोगों के जो एडवाइजर हैं, जो हम लोगों के ऑब्जर्वर है दीप माथुर जी, इन लोगों के गाइडेंस से MS बिट्टा जी, जो आप जानते ही हैं, MS बिट्टा जी का परिचय के मोहताज नहीं है, जिंदा शहीद। तो हम लोग वहां से प्रेरणा लेकर, और भी तमाम लोग हैं जिनकी प्रेरणा से, जिनकी बातों से हम लोग जो है, अभी सरोज गर्ग जी ने कविता पढ़ा, आपने देखा कि सरोज गर्ग जी ने एक अपनी विचार रखा कि हम लोग क्यों नहीं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे वेबिनार करें, तो उसको एंडोर्स किया हमारे आरजेएस एडवाइजर ने, और उस पर हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा वेबिनार किया। कैंसर पे जो वेबिनार किया गया वो बहुत ही हिट रहा, लोगों को कितनी जागरूकता मिली। मीडिया संस्थान के लोगों ने कहा कि मैंने उसको पूरा सुना और मुझे बहुत जानकारी मिली। तो इस तरह से सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत अभियान जो है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व पहुंच रहा है। और प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी से एक बार फिर से, ये इलेक्शन चल रहे हैं MCD के, और उस बीच में हम लोग आजादी की अमृत गाथा कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को याद किया, गीता जयंती जो कि 3 दिसंबर को मनाई गई और उसका वो चल रहा है सप्ताह है, तो उसमें हम लोगों ने साधक डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के विचार प्रारंभ में सुने। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करेंगे आज के दिन, वो इस लोकतंत्र की जीत के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। थैंक यू उदय मन्ना जी। जय हिंद।
जय हिंद, वंदे मातरम। आपने बहुत ही बड़ा चढ़ा के हमारे बारे में ऑलवेज बोलते हैं, लेकिन हमको जो इंस्पिरेशन मिलता है, हमको आरजेएस परिवार से इंस्पिरेशन मिलता है। आज जैसे हमारे बीच में सरोज जी हैं, सुधीर जी हैं, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, मुन्नी कुमारी जी, मोहम्मद इशाक खान जी, भारत प्रसाद, आपके परिवार के सारे लोग, हमको इंस्पिरेशन आप लोगों से मिलता है। जैसे आज हुआ, हम आपको आज का घटना बता रहे हैं। आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि हमारा तबीयत थोड़ा सही नहीं था लास्ट वीक, तो हम सोचे एज अ जस्ट हम पार्टिसिपेंट आएंगे, सुनेंगे आप लोगों को जैसे हम सुनते हैं, लेकिन रहा नहीं गया। आपने इतना इंस्पायर कर दिया लोग, सब लोग, स्पेशली सुदीप जी, सरोज जी, हमारे ओम झुंझुनवाला जी, ऐसा ऐसा मतलब बातें उन्होंने चर्चा में लाया, हमसे रहा नहीं गया, हमारा हाथ उठ गया, मतलब अपने आप हमारा हाथ उठ गया कि हम भी कुछ बोलें। मेरा केवल एक ही या दो बूंद है, दो पॉइंट्स हैं जो हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं आप लोगों का सोच क्या है। उसी डेमोक्रेसी का मेन जो स्तंभ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चल रहे हैं, उसका मेन जो लक्ष्य है कि हर एक नागरिकों को उनका राइट्स मिलनी चाहिए, उनकी हक्स मिलनी चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज लाइक लिबर्टी टू स्पीक, गुड हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ऑल दीज गुड गवर्नेंस, ये सारे चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और हम लोगों को एक लीडरशिप चाहिए जो इसको आगे ले जाएगा, और उसी लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं चुनाव में एज इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कॉम्पिटिटर्स टू बिकम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लीडरशिप जो है, वो लीडरशिप चुनने का जो मतलब एम्पावरमेंट है, वो डेमोक्रेसी में इज थ्रू इलेक्शन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन मतलब क्या हुआ? देर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, देर इज अ गवर्निंग इलेक्शन कमीशन जो एक कोड निकाला है कानूनी रूप से, जिसको हम लोग को पालन करना चाहिए। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोड फॉलोड when the election is conducted? That's my first question. Second question is, if the code is not followed, what action is initiated? And how many people lose their election because they have not followed the conduct, which should be followed? My most important point, jo hum rakhna chahte hain, jo hum videsh mein seekh ke aaye hain, jaise Germany wagera mein, there is a huge transparency in political funding. कोई किसी को मना नहीं करता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को फंड ना करें, लेकिन वो ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए। सबको पता लगना चाहिए किसने कितना पैसा किसको दिया चुनाव के टाइम में, या पॉलिटिकल फंडिंग, वो पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए किसने किसने दिया। ये पारदर्शिता अभी तक हमारे देश में नहीं आया। हर एक जगह पर ट्रांसपेरेंसी आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग में अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आया जो होनी चाहिए। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, हम सोचते हैं, आई मे बी रॉन्ग, बट हम सोचते हैं कि चुनाव, जैसे जर्मनी में हम देखें, चुनाव ऑलवेज टैक्सपेयर्स के पैसे से होता है, गवर्नमेंट फंडिंग होता है। इट इज नॉट फंडेड बाय इंडस्ट्री और इट इज नॉट फंडेड बाय इंडस्ट्री और इंडिविजुअल्स, but they are free to fund the political party in a very transparent manner, but election is always funded by the government, and funded by the government in the manner that the percentage of poll they have achieved in the last elections. Jaise Saroj ji ne bahut sahi baat bataya, aap log sab ne bataya ki chunav should be held as per the term of the tenure of the election, the leadership, lekin it should be done only once.
आफ्टर द टेन्योर इज ओवर। ये नहीं कि किसी का टेन्योर आज खत्म हो रहा है, किसी का कल हो रहा है, किसी का परसों हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। होल कंट्री शुड बी मैनेज्ड इन अ मैनर दैट इट इज डन एट वन टाइम, सो दैट कम से कम रिसोर्स लेकर, कम से कम पैसे में, कम से कम खर्चे में लोग वॉलंटियर करके अपना समय देकर उस चुनाव का मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सके। केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्यों नियुक्त होते हैं चुनाव के लिए? यू नो जैसे सेंसस में, जब हमारे देश भर में सेंसस होता है तो सिटीजन्स को भी नियुक्त करते हैं सेंसरशिप सेंसस करवाने के लिए, क्योंकि हमारे पास उतनी संख्या में लोग चाहिए, वॉलंटियर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स, उनको नियुक्त कीजिए, ताकि आपको ये नहीं महसूस हो कि हमारे पास संख्या की कमी है चुनाव को मैनेज करने की। हमारे देश में वी हैव एनफ पॉपुलेशन टू मैनेज द इलेक्शंस ऑफ आवर कंट्री वंस इन 5 years। यू सी वी शुड ऑलवेज मेक द टर्म सच दैट असेंबली एंड द सेंट्रल फेडरल जो हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑल शुड बी हेल्ड एट वन टाइम इंक्लूडिंग म्युनिसिपल इलेक्शंस, यू नो इंक्लूडिंग सेल्फ गवर्नमेंट, आई मीन हम लोगों का पंचायत इलेक्शंस, so that you know there are not multiple kind of occasions to people to come and vote. You come and vote once for everything. You vote for MCD, you vote for assembly, you vote for your panchayat, you vote for your parliament, you vote for everybody, including in such a manner that jab se election results announce hua to upper house ke liye bhi फिर चुनाव हो जाने चाहिए तुरंत उसकी के बाद विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कोलिजियम, ताकि राज्यसभा का भी हो जाए, एमएलसी का भी हो जाए। एंड वी ऑल नो कि नाउ नेक्स्ट इलेक्शन विल बी हेल्ड इन द नेक्स्ट 5 years। जो इलेक्टेड हो गए हैं दे आर नाउ रेस्पॉन्सिबल टू गिव द गुड गवर्नेंस, दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। दैट वॉज माई फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू इज परिवार लाइक आरजीएस, वी शुड ब्रिंग आउट अ इवैल्यूएशन रिपोर्ट व्हेनेवर इलेक्शन इज अनाउंस्ड कि किसने कितना परफॉर्मेंस किया अपने क्षेत्र। लोकल पीपल शुड बी आस्क्ड एंड गिवन द ऑपर्चुनिटी टू से गुड थिंग्स एंड ऑल्सो फेलियर्स based on the manifesto, based on what they are supposed to do with the money which is budgeted every year. Har saal budget hota hai, abhi budget aane wale hai. Kis dhang se utilize hua, elected representatives parliament mein kya questions uthaye, kis dhang ke questions uthaye, assembly mein kya uthaye, kitne din attend kiye, aur unke tankha, unke perquisites, unke rakh rakhao, unke sare cheez hum log ki zimmedari hai. लेकिन उनको तब मिलना चाहिए जब वो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ये नहीं कि वो पार्लियामेंट अटेंड नहीं कर रहे हैं, असेंबली अटेंड नहीं कर रहे हैं फिर भी उनको तनख्वाह मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी विजिट भी नहीं कर रहे हैं फिर भी उनको तनख्वाह मिल रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। उनको सुविधा भी मिल रहे हैं, उनका पूरा तामझाम है, ऑफिस है, सारे लोग हैं जिनका तनख्वाह दे रहे हैं, हम लोग सब टैक्स पेयर्स पे ही पेमेंट करते हैं। हम विदेश में क्या देखिए, हम विदेश में यही देखिए कि देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हर एक सिटीजन जानता है, जैसे हम लोग नोटा ले आए चुनाव के टाइम में, एक नई प्रक्रिया लाए कि आपको कोई भी कैंडिडेट सही नहीं लग रहा आप नोटा लगा दीजिए, ताकि लोगों को तो ये महसूस हो ना पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपका सिलेक्शन सही नहीं रहा। मेरा केवल इतना ही कहना है कि जागरूकता लाने के लिए हम ही लोगों को आगे बढ़कर कुछ ऐसा प्रक्रिया बनाना चाहिए जो पॉलिसी मेकर्स लॉ मेकर्स को बाध्य करे, ताकि लॉ में बदलाव आए, पॉलिसी में बदलाव आए। और इसीलिए हर संडे हम लोग मिलते हैं। हम लोग हर संडे क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आरजेएस के माध्यम से जितने लोग कमिटेड हैं उनका एक चर्चा करके एक सही रूपरेखा बनाकर वो रिकमेंडेशन सबसे ऊपर तक जानी चाहिए, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
governor of the state, the highest constitutional authority, taki the elected representatives become accountable to the citizens. That is the most important thing. And in order to make it accountable, we have to bring in our contribution. हम लोग का contribution क्या है कि जहां पर सही नहीं है उसको बताना, जहां सही है उसको बढ़ावा देना, उनको recognize करना, उसको reward करना. कई MLAs हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने constituency, लेकिन कितने लोग उनको पहचानते? बहुत कम. लेकिन जो जो लोग नहीं सही काम कर रहे हैं, ऑलवेज ऑपोजिशन उनके अगेंस्ट में बात करने लग जाते हैं. सो यू हैव टू हैव अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन. कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन मतलब क्या? यदि वो कोई गलत काम कर रहा है उसको सही जगह पे उठाइए, उसको खाली टीवी चैनल में मत उठाइए, उसको असेंबली में उठाइए, उसको पार्लियामेंट में उठाइए. एंड ऑपोजिशन को कहना होगा कि आप नहीं कर रहे हो ये काम, और ये कौन बताएगा? ये आप, हम लोग सब मिलकर बताना है. तभी उनको अंदर में भी जिम्मेदारी आएगा, क्योंकि हमको मालूम है. आई पर्सनली नो इन माई 40 years कई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ सिटीजन. हाँ, कभी कभी उनके पॉलिटिकल पार्टी उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको दोबारा खड़े होने का मौका देते हैं. वो कई मतलब टर्म्स वो रिप्रेजेंट किए हैं अपने पार्टी को, यू नो, और जीत के भी आते हैं. तो इसे इलेक्शन में क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है, once somebody has won, then he is your leader. Whether you are in the opposition or you are in favor of the ruling party, it is immaterial. After that, he is your leader. You have to support him. You have to guide him. You have to tell him where he is wrong. So I think today's discussion is very, very, very important. और हम चाहेंगे कि इस ढंग की discussion जैसे मन्ना जी आप कर रहे हैं, I think these are very rich resource for the future, for the youngsters, for the youths to also understand that unka bhi ek role hai. We are the youngest country in the world. We have the youngest population of the world. And we are still not educating our youngsters how to become responsible citizens, how to ensure that they participate in a very responsible manner, not in a manner which will show very bad image into the external world. You know, हम लोगों को असेंबली, हम लोग क्यों असेंबली में सीसीटीवी कैमरा लगाए ताकि हर लोगों को पता लगे? हम लोग क्यों पार्लियामेंट में कैमरा लगाए ताकि सबको पता लगे क्या चर्चा हो रहा है, क्या बहस हो रहा है? ये नहीं दिखाने के लिए कि माइक तोड़कर आप लोग लड़ाई कर रहे हैं. ये तो गलत हो रहा है, ये तो सही नहीं है. यू नो, आप बेल में दौड़ के चले जा रहे हो, ठीक है, एज अ जेस्चर आप स्थगित कर सकते हो फॉर फ्यू मिनट्स, बट नॉट द होल डे. एंड यू वेस्ट द मनी ऑफ द टैक्स पेयर्स एंड यू डोंट अलाउ लॉज टू बी पास. ये तो गलत हो रहा है, ये तो हम लोग से धोखा हो रहा है. आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े कर रहे हो पार्लियामेंट को चलाने के लिए, इतने सेक्रेटेरिएट, इतने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आउटकम जीरो है. कोई भी कानून पास नहीं हो रहा है, वो पेंडिंग है फॉर द लास्ट 10 years. 20-25 साल तक कानून पेंडिंग है, बहस नहीं हो रही है उस पर, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, ऑपोजिशन देख भी नहीं रहे हैं, रूलिंग पार्टी भी नहीं देख रहे हैं. तो इस किसका काम है फिर? हर चीज यदि आप सरकार के ऊपर छोड़ दोगे तो नहीं होगा. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू डू. एंड हम समझते हैं RJS इज वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स जो ये बदलाव ला सकते. हम लोग को इलेक्शन रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है. वी आर वेस्टिंग आवर स्केर्स रिसोर्स. हम लोग के पास बहुत सीमित साधन है. इस देश, हम लोग गरीब देश हैं. यू नो, हमारे अभी भी पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज वेरी हाई कंपेयर्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो हम लोग को कुछ ऐसे एफिशिएंसी लानी होगी गवर्नेंस में जो हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, यू नो, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. तो मैक्सिमम गवर्नेंस लाने के लिए, इफिशिएंसी लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, यू नो, एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स. ऐसा कौन सा देश है जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से आप मुलाकात नहीं कर सकते? लेकिन इंडिया में आप नहीं मुलाकात कर सकते.
आप जितने भी लिख लो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को, वो आपको समय नहीं देगा। वो तब आपको समय देगा आप जब उसके द्वार पे सामने जाकर खड़े रहोगे घंटों, तब ही वो समय देगा। क्यों? हम यदि लिख के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको अपॉइंटमेंट दीजिए, आप हमको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दे रहे? यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव, यू हैव टू हैव अ डेडिकेटेड टाइम व्हेन आई कैन मीट यू। नो, देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज लाइक दिस। सो आई थिंक इलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, बट वंस यू हैव कंप्लीटेड द टास्क ऑफ इलेक्टिंग योर लीडर, देन इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द लीडर टू मेक हिम परफॉर्म। इफ यू डू नॉट मेक हिम परफॉर्म एंड डू नॉट डू योर रोल एज अ सिटीजन, देन यू विल नेवर गेट अ रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप। और हम लोग को कई रिफॉर्म्स लाना अनिवार्य है। यू नो, आई एम हैप्पी दैट हमारे परिवार के 14 लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, एंड ऑलवेज एक्साइज योर फ्रेंचाइज। हमको ये नहीं समझ में आता है ओनली 60% 50% टर्नआउट क्यों होता है, देर शुड बी ऑलमोस्ट मोर देन 80-90% टर्नआउट ड्यूरिंग द वोटिंग डे। एवरीबडी इन द कंट्री शुड एक्साइज हिज फ्रेंचाइज to elect the right leader in the manner they deserve. But once elected, he is your leader. You must follow him, guide him, you know, cajole him and help him to perform. And if he doesn't perform, then of course you have again got the right to take your decision in the next election to elect your proper leader. Thank you very much, Uday Manna ji, for giving me this opportunity. Aur sabko bahut bahut dhanyavad, Saroj ji, सुदीप जी, मोहम्मद इशाक खान जी, आप लोग सबको बहुत अच्छा लगता है संडे को मिलकर, बहुत अच्छा लगता है। और मिलते रहिए ऐसी हर संडे 11 बजे। धन्यवाद सर। तो अभी प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी ने मार्गदर्शन दिया और उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन ये एक नई बात है और पुराने समय से भी चल रही है। बहुत सारी चीजें देश में एक साथ ही अगर हो जाए तो उसका बेनिफिट जो है वो सबको मिलेगा, इस देश को मिलेगा, कम खर्चे में इलेक्शन हो जाएंगे। और यहाँ पर हम बुलाना चाहें संजीव दत्ता जी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बात और... कहना चाहता हूँ सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नोटा एक चुनाव सुधार का एक साधन बना, एक सुधार और भी होना चाहिए कि जीतने वाले कैंडिडेट को कम से कम एक परसेंटेज वोट, इतने प्रतिशत वोट मिलने ही चाहिए तभी उसको जीता हुआ माना जाए। यानी कि उसको 5 की जगह 6 मिल गए तो वो जीता हुआ माना गया। एक प्रतिशत वोट का होना चाहिए कि जीते हुए प्रत्याशी को इतने प्रतिशत वोट मिलने ही चाहिए तभी उसको जीता हुआ माना जाएगा। तो इतनी बात मेरे को कहना है। धन्यवाद 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 सुदीप जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए और इसका फॉलो अप भी किया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉलिटिक्स को लेकर हम लोग मंत्रियों से और एमएलए से, पार्षद से सबसे मिलने वाले हैं। ये आरजेएस की बहुत पुरानी गतिविधियों में शामिल रहा है, लेकिन हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। और संजीव दत्ता जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। भरत जी से, भरत प्रसाद जी एक बार आप स्क्रीन पर आ जाइए, आपको भरत जी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अनुराधा सिंह जी जो है वो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है। नरेन टटेसर जी जुड़े हुए हैं, प्रभारी दिल्ली के। और भरत प्रसाद जी, भरत प्रसाद जी आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। और मोहम्मद इशाक खान जी दूरदर्शन दिल्ली से, मुन्नी कुमारी जी प्रभारी सकारात्मक भारत उदय सूचना केंद्र पटना से, और रूपरेखा सिंह जी जुड़ी है पटना से, संजीव दत्ता जी दिल्ली से, सरोज गर्ग जी नागपुर से, सुदीप साहू जी गाजियाबाद से, यूएसआरबी न्यूज जुड़े हैं दिल्ली से। तो भरत प्रसाद जी आप कंफर्टेबल हैं तो आप आ सकते हैं। और जब तक भरत प्रसाद जी आते हैं मैं एक बार परिचय ले लूं। और संजीव दत्ता जी प्लीज, संजीव दत्ता जी नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। आप सभी आर्य परिवार के सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और उदय मुन्ना जी आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिश्रा जी ने जो बताया सुझाव दिए उसके लिए मैं बहुत उनका सराहनीय करना चाहूंगा कि काफी अच्छे सुझाव उन्होंने दिए। साहू जी ने जो समस्याएं बताई और उसके बारे में बताया वो भी बहुत अच्छा था, और श्रीमती सरोज गर्ग जी ने जो कविता के माध्यम से हमें बताया, एक रूपरेखा रखी बहुत अच्छी उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वाकई एक सकारात्मक सोच को लेकर अगर हम चलें तो किस तरीके से हम एक अच्छा नेता और एक कुशल नेतृत्व करने वाले व्यक्ति विशेष को हम चुन सकते हैं, ये हमारा एक नैतिक अधिकार भी है। तो हमें एक अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी के संदर्भ में मैं उदय मुन्ना जी, यदि आपका अनुमोदन हो और आप अनुमति देते हैं, तो सपना ने एक कविता लिखी है, तो वो अपने विचारों को कविता के माध्यम से रखना चाहती है, यदि आपका हाँ इलेक्शन से संबंधित हो। हाँ, इलेक्शन से संबंधित है, अगर आप अनुमति देते हैं तो वो अपने कुछ शब्द आप सभी के सम्मुख रखना चाह रही हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट के लिए जी, नॉन पॉलिटिकल कविता के लिए स्वागत है सपना जी, स्वागत है। दूसरी बार सपना जी आ रही हैं। सपना जी, ये सपना ना रहे, ये हकीकत बदले, अब बार बार आए जी। बिल्कुल, और सबसे पहले सम्मानित मंच को नमन करती हूँ, और आदरणीय उदय मुन्ना जी, जो आप एक सुंदर सा प्रयास लेके चल रहे हैं लगातार, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और क्योंकि समानता ये पतिदेव ऑन कर देते हैं और मैं सुनती रहती हूँ, तो आज इसी जिक्र चल रहा था, मैंने कहा कि चलो अपनी बात रखती हूँ, तो अपनी कविता पढ़ती हूँ। मत के मत का बोल बताकर लोकतंत्र का मान करें, मत के मत का मोल बताकर लोकतंत्र का मान करें, और राष्ट्र प्रेम के महापर्व में चलो सभी मतदान करें। राष्ट्र प्रेम के महापर्व में चलो सभी मतदान करें, निष्ठा संग कर्तव्य निभाएं। हम अधिकार तो चाहते हैं परंतु अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, तो निष्ठा संग कर्तव्य निभाएं, कर्म भूमि को भी उपजाएं, लोभ मोह के बंधन तोड़े, सुदृढ़ हिंदुस्तान करें, चलो सभी मतदान करें, चलो सभी मतदान करें। मत के मत का बोल बताकर लोकतंत्र का मान करें, राष्ट्र प्रेम के महापर्व में चलो सभी मतदान करें। नेताओं के अभी को जाने बहुत आवश्यक है, जो एक अंदर अभिमान छुपा होता है उसको अवश्य जाने, जो उनके अंदर एक स्वार्थ छुपा होता है उसको अवश्य जाने। नेताओं के अभी को जाने, अभिनेता का छल पहचाने, जो दिखता है वो बिकता है, ये सामान्य वैचारिक धारणा है, परंतु वास्तव में जो दिखता है वास्तव में वो होता नहीं है, तो हम उस बात को जानते हुए अपना मत दे, बहुत कीमती है हमारा मत। नेताओं के अभी को जाने, अभिनेता का छल पहचाने, झूठे वादों पर ना भटके, अपनी भी पहचान करें, चलो सभी मतदान करें, चलो सभी मतदान करें। मत के मत का मोल बताकर लोकतंत्र का मान करें, राष्ट्र प्रेम के महापर्व में चलो सभी मतदान करें। और हमारे भारत में आज भी कई राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उनके लिए पढ़ती हूँ कि एक दिवस सबको बतलाएं, एक दिवस सबको बतलाएं, निंद्रित की निंद्रा टुटवाएं। क्योंकि छुट्टी मिलती है, सब घूमने का प्रयास करते हैं, मत डालने के लिए हम जागरूक नहीं होते हैं, तो एक दिवस सबको बतलाएं, निंद्रित की निंद्रा टुटवाएं। जैसे कि आदरणीय मुन्ना जी ने बोला था कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, और अभी भी कई सारे लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, जो आने के लिए आतुर हैं चुनाव देने के लिए, तो एक दिवस सबको बतलाएं, निंद्रित की तंद्रा टुटवाएं, महायज्ञ में आहुति डाले, नवकल का संधान करें। महायज्ञ में आहुति डालें, नवकल का संधान करें, चलो सभी मतदान करें, चलो सभी मतदान करें। मत के मत का मोल बताकर लोकतंत्र का मान करें, राष्ट्र प्रेम के महापर्व में चलो सभी मतदान करें। छुट्टी होती है, लोग सोचते हैं चलो सो जाते हैं चादर तान के, देर से आराम से उठेंगे फिर घूमने जाएंगे, तो हर बंधन आलस का तोड़े, हर बंधन आलस का तोड़े, एक एक को सारे जोड़े, हर बंधन आलस का तोड़े, एक एक को सारे जोड़े, लोकतंत्र के महापर्व का गर्वित हो जयकान करें, चलो सभी मतदान करें, चलो सभी मतदान करें।
मत के मत का मोल बताकर लोकतंत्र का मान करें, राष्ट्र प्रेम के महापर्व में चलो सभी मतदान करें। और इसका अंतिम बंद पढ़ती हूँ, मिथ्या बातों में ना आए जागरूक रहें, मिथ्या बातों में ना आए सोच समझ कर बटन दबाएं, मिथ्या बातों में ना आए सोच समझ कर बटन दबाएं, अपनी ताकत को पहचाने, बच्चों के कल का भान करें। आपके आने वाली पीढ़ी आपके बच्चे हैं, तो मिथ्या बातों में ना आए सोच समझ कर बटन दबाएं, अपनी ताकत को पहचाने, बच्चों के कल का भान करें, चलो सभी मतदान करें, चलो सभी मतदान करें, मत के मत का मोल बताकर लोकतंत्र का मान करें, राष्ट्र प्रेम के महापर्व में चलो सभी मतदान करें, राष्ट्र प्रेम के महापर्व में चलो सभी मतदान करें, चलो सभी मतदान करें। धन्यवाद। आरजेएस फैमिली की ओर से आपका भी सपना जी बहुत बहुत धन्यवाद। सपना दत्ता जी, संजीव दत्ता जी, ये जुगल जोड़ी बनी रहे, और इस तरह की आपकी कविता जो है बिना किसी पूर्व सूचना के भी इतनी अच्छी, इस वेबिनार को सफल करने के लिए बहुत ही अच्छा। और सरोज गर्ग जी ने आज दो कविताएं जो हैं मतदान पे हम लोगों को मिली हैं। तो इसी तरह से हम लोगों की आरजेएस फैमिली जो है वो बहुत ही सकारात्मक है। और देखिए, हम लोग बार बार बताना चाहेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना है और किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। स्वतंत्रता सेनानियों को आप याद कर सकते हैं, जैसे विनोद मेहरा जी ने याद किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिनकी देन है ये चुनाव, जिन्होंने संविधान दिया, वहां से ये लोकतंत्र लोकतंत्र की सफलता जो है वो चुनाव की सफलता पर ही निर्भर करता है। इसीलिए निष्पक्ष चुनाव हो और सही उम्मीदवार को कैसे पहचाने, इस पर बहुत ही सारगर्भित बयानों से हम लोगों अभिभूत हैं कि प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी ने वन कंट्री वन इलेक्शन का ये नारा दिया है। और इसको देखते हैं हम लोग आगे, इसको बढ़ाएंगे, अखबारों के अंदर भी इसको हेडलाइन बनाएंगे, और मंच खुला है। वैसे भारत प्रसाद जी को आमंत्रित किया था, वो भारत प्रसाद जी आप नहीं है, यूएसआरबी न्यूज पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं पत्रकार साथी को आमंत्रित करूंगा और आप आइए। यूएसआरबी, नमस्कार जी, परिचय के साथ आप आरजेएस फैमिली में काफी दिनों के बाद आ रहे हैं, परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम प्रवेंद्र सिसोदिया है और मैं इस वक्त देहरादून स्थित बीएफआईटी कॉलेज में मास मीडिया का प्रोफेसर हूँ और साथ में एक न्यूज पोर्टल usrbnews.com नाम से चला रहा हूँ। और सबसे पहले मैं इस मंच को साधुवाद देता हूँ कि ये जो कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज हुआ है, यूं तो ये हर संडे को ऑर्गेनाइज होता है, तो इसके लिए साधुवाद कि सकारात्मक भारत आंदोलन से मैं आज जुड़ सका हूँ। ये लगभग मेरा तीसरा वेबिनार है आपके साथ, और चूंकि मुझे समय का काफ़ी अभाव रहता है तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो सबसे पहले सकारात्मक भारत आंदोलन को मेरा नमन और प्रणाम और साधुवाद। तो मेरे कुछ विचार हैं इसको लेकर के, जैसा कि आज का शीर्षक है और जो विषय है उसको लेकर के कुछ विचार हैं। ये इसका नाम है सकारात्मक भारत आंदोलन, और हमारा एक दायित्व बनता है कि हम सकारात्मक वोटर भी इस समाज को दें। और वो कैसे दे सकते हैं, विचार वो है, वो कैसे हो सकता है पूरा। सबसे पहले तो जो कॉजेज हैं जिनसे जुड़ा हुआ है आरजीएस परिवार, उसकी ओर मैं थोड़ा अपना फोकस करना चाहूंगा कि उसमें ये भी लाएं कि फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ, अगर ये दो चीज हो गई इस भारत के अंदर, तो वो दिन दूर नहीं है, वो ज्यादा दूर नहीं होगा वो दिन जब सकारात्मक भारत अपने आप उत्पन्न हो जाएगा और कोई भी नकारात्मकता मेरे ख्याल से नहीं बचेगी। फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन, इसको लेकर के आप अपने विधायकों के पास या अपने जो भी लीडर्स हों उनके पास अगर जाते हैं कि आप ये हमारी मांग उठाएं, या आरजेएस परिवार ही किसी के पास जाता है जो कि किसी वैल्यूएबल पोस्ट पर है, जहां पर भी आप अपने विचार रखते हो, जैसे मैं मंच पर रख रहा हूं, तो सारी समस्या का हल मेरे अनुसार हो जाएगा और हमारा जो भारतवर्ष फिर से
विश्व गुरु की स्थिति में आ सकता है। तो और दूसरी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय बेजोन मिश्रा प्रोफेसर जी ने कही कि हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी, ये अपने आप में एक बहुत अहम विषय है। और इसको लेकर के जैसे सर ने जर्मनी का एग्जांपल दिया और इंडिया, इंडिया में ये सब नहीं अभी हो पा रहा है, और ऐसा कुछ उन्होंने कहा भी कि आई मे बी रॉन्ग, तो ऐसा अगर है तो मैं इसको लेकर के कुछ चीजें यहाँ पर अपने आइडियाज प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन वोटिंग अगर करी जाए और उनका एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि हर एक भारत वासी एक तो एम्पावर होगा, और दूसरा ऑनलाइन वोटिंग में जैसे कि आज की डेट में डिजिटल करेंसी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, तो डिजिटल करेंसी में जब हम सेफली डील कर सकते हैं, तो हम ऑनलाइन वोटिंग में सेफली गेटवे के जरिए, सिक्योर गेटवे के जरिए क्यों नहीं हम कर सकते ऑनलाइन वोटिंग में? उससे क्या होगा, हमारा जो वो जो हमारा जो उसका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो अफसर अफसरान नियुक्त किए जाते हैं काफी पूरे देश भर में, लोकसभा चुनाव ले लीजिए या विधानसभा चुनाव ले लीजिए या कोई भी छोटा चुनाव ले लीजिए, तो उसमें काफी खर्चा बचेगा एक तो इन सब चीजों को लेकर के भी, एक तो ट्रांसपेरेंसी हो गया, ऑनलाइन वोटिंग हो गया, फ्री हेल्थ हो गया, फ्री एजुकेशन हो गया, अगर ये संभव है आरजेएस परिवार के इस मंच से कि ऐसा राय अगर दिया जाए किसी विधायक को कि आप हमारे इन विषयों को लेकर के अपनी विधानसभा या संसद में आप जरूर इन मुद्दों को उठाएं, तो मेरा मानना है कि वो दिन दूर नहीं है, हम एक सशक्त भारत और जिसे कहते हैं विश्व गुरु का सपना जो देखते हैं, तो वो जरूर पूरा हो सकता है। क्योंकि अब इसमें अपने अपने हित छुपे हुए हैं किसी के, या जैसे कि बात होती है नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है, तो उन और तो उन चीजों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर मौजूद एक हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरीके से गीता वर्णन किया, गीता गीता सार या जो गीता ज्ञान दिया, उसमें सतो गुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं और उन्होंने ये भी दर्शाया कि कैसे हम किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलें और उसको सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकें। तो अगर कोई लीडर किसी अपने वैचारिक कुंठा से ही अगर जूझ रहा है, तो उसको सकारात्मक रूप से हमें परिवर्तित करने में काफी ज्यादा एक तो समय भी लगेगा, लेकिन अगर हमारे ऊपर अपना पूरा विश्वास है कि हम उसको परिवर्तित कर पाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अपने आप में उसको सराहना भी चाहिए। और इसका प्रयास हमें हमेशा करते रहना चाहिए कि हम अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से या एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव से हमेशा मिलते रहें और उसको सकारात्मक रूप से हम ऊर्जावान बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो सपना है सकारात्मक भारत का वो हमेशा बना रहे और वो जल्दी पूरा हो। तो जय और जय हिंद, जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद जुड़े, समय का अभाव नहीं, संडे को इसीलिए होता है, आप लोग देश के लिए थोड़ा थोड़ा समय, आप दिल्ली से देहरादून चले गए, देहरादून ना? हाँ जी, हाँ जी, देहरादून में मैं यहाँ के पास हूँ। अच्छा, देहरादून में, हाँ देहरादून में आरजेएस फैमिली से जुड़े लोग हैं, आप चाहेंगे तो उनसे संपर्क भी आप कर सकते हैं वहाँ। और मैं आपको धन्यवाद करूंगा, आप पत्रकार हैं और मास कम्युनिकेशन में आप पढ़ा रहे हैं, तो आपकी नजर से, पत्रकार की नजर से ये वेबिनार कैसा था, उस पर अगर टिप्पणी आप लिखें, जैसे बिजोन मिश्रा जी का नाम लिया आपने, साधक का नाम लिया, और तो उस पर आप एक टिप्पणी जरूर हमें भेज दें, टिप्पणी भेज दें आप, तो पत्रकार का काम है इस ये जो है, क्योंकि आपकी नजरिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बनिस्पत की आम आदमी का नजरिया होता है, तो वो बहुत ही आरजेएस फैमिली सकारात्मक, नो नेगेटिव ओनली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ढंग से दिया जलाने का काम जो कर रही है उसमें पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और एक पत्रकार जो संज्ञान मीडिया न्यूज नेटवर्क के हैं, उनको हम लोगों ने ट्रेड फेयर से विदाई दी थी कि आप जाइए, वहां तमिलनाडु जा रहे थे, उनको वहां पे जाकर उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें तमिलनाडु की बताई हैं, उनके भी विचार लेना चाहेंगे। प्रांजल श्रीवास्तव जी और धर्मेश शुक्ला जी दो आदमी गए थे जिनको ट्रेड फेयर में आजादी की अमृत गाथा में परविंदर जी विदाई की गई थी, सुन लेते हैं हम लोग, सुन लेते हैं प्रांजल श्रीवास्तव, क्योंकि नेट का भी वो है, वो रास्ते में होंगे, मेरे ख्याल से 4 तारीख को पहुंचना था। प्रांजल श्रीवास्तव, स्वागत है आपका आजादी की अमृत गाथा के 104 अंक में।
102 आजादी की अमृत गाथा के दरमियान इनको विदाई दी गई थी 25 नवंबर 2022 को ट्रेड फेयर प्रगति मैदान से। प्रांजल श्रीवास्तव जी अनम्यूट करके आप आ जाइए, लेकिन इस वक्त नहीं है। हाँ नहीं है वो जी। परमिंदर जी बताएं। एक चीज और मैंने इस वेबिनार के माध्यम से सुनी कि जो कि हमारे संसद के ऊपर या जो भी टैक्स पेयर का पैसा है उसको गफलत में भी हमें खराब देखने को मिलता है, खराब होता हुआ दिखता है कि वो या तो सीट छोड़ के चले जाते हैं या फिर चेयर के साथ या मारपीट या इस तरह की चीजें, इनडिसिप्लिन हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज को अगर हमें वास्तविकता में दूर करना है तो इसका तो मैं ऑलरेडी एक काफी आइडियाज दे चुका हूँ, लेकिन हमें इसके लिए भी सोचना होगा कि हमारी जो अटेंडेंस है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की वो काफी कम रहती है सेशंस के दौरान। तो अगर ये मैंडेटरी बना दिया जाए कि 90% अटेंडेंस आपकी जरूरी है, 95% जरूरी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ परमिंदर जी बिल्कुल। और नहीं तो उनकी सुविधाएं वापस सरकार ले ले, ऐसा कुछ नियम किया जाए, क्योंकि विद्यार्थी का अटेंडेंस नहीं होता है तो एग्जाम नहीं देने दिया जाता है। तो और पेंशन वाला भी स्कीम जो है ना परमिंदर जी, पेंशन वाला भी जो है ना उस पर भी विरोध में आवाज उठ रही है कि सारी भारत के लोगों की पेंशन तो बंद कर रहे हैं, अपनी पेंशन चालू किए हुए हैं और दो दो तीन तीन पेंशन लेते हैं। ये जो विरोधाभास है ये बिल्कुल ही नेगेटिव है। तो नेगेटिव चीजें अगर हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं वही जो कि आदर्श के रूप में रहना चाहिए, जो आजादी के समय आंदोलन से उभरा था एक सकारात्मक राजनीति, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक राजनीति की ओर चला गया है, तो उसको हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और पॉजिटिव एडवोकेसी करते रहेंगे। और आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम नरेंद्र टटेसर जी के पास चलना चाहेंगे, आरजेएस के प्रभारी हैं दिल्ली के। नरेंद्र टटेसर जी स्वागत है। और 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। नरेंद्र टटेसर जी अगर आप नरेंद्र टटेसर जी स्वागत है। जी स्वागत है जी। मेरी आवाज जा रही मनोजी? हाँ जा रही है। पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा जी, है क्या? जी नहीं, मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली मैं अभी लगभग 5-7 मिनट पहले ही मतदान करके घर लौटा हूँ और ये दिखाना चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो मैंने मतदान किया, मेरा मत बिल्कुल निष्पक्ष और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से परे रहा। बिल्कुल जानकारी देना चाहूंगा कि जैसा कि क्योंकि मैं आरजेएस फैमिली में और आरजेएस में क्योंकि मैं एक महत्वपूर्ण पद पर भी हूँ, उस परिवार का हिस्सा भी हूँ, तो मैंने वहां पर सकारात्मक अपना योगदान भी दिया। सकारात्मक मतदान करवाने में मेरा योगदान रहा। आज वहां पर कुछ मतदाता मेरे गांव से ऐसे थे जिनका मत पहले ही डल चुका था और कईयों का जो ना लिस्ट में नाम नहीं था, तो उनका भी वहां पे सहयोग किया, 49A फॉर्म भरवाया, तो इस तरह जो ना उनका मत सुनिश्चित करवाया। उसके बाद वहां पर से मत करके और फिर जो है मतदान करके फिर मैं अभी लौटा हूँ, इसीलिए मैं आज समय पे नहीं जुड़ पाया, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज का ये योगदान रहा सकारात्मक मतदान में। जी मन्ना जी, जो जिन लोगों ने मतदान कर दिया है वो एक बार स्क्रीन पर आ जाए, मैं भी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूंगा। जी दिखाई दे रहा है, पहले मतदान फिर जलपान। सब लोग दिखा दें जी। ये स्वाभिमानी तर्जनी है, स्वाभिमानी तर्जनी। हाँ आपने दिखाया, आपने किया है, जिन लोगों ने किया है वो एक बार दिखा दें। सभी लोग जिन लोगों ने मतदान कर लिया है, वेबिनार के बाद फिर जाइए मतदान कीजिए। नरेंद्र टटेसर जी एक बार दिखा दीजिए आप। नरेंद्र टटेसर जी थैंक यू। कोशिश करेंगे इसका स्क्रीनशॉट जो है वो दिखाया जाए। तो अब हाँ, सरोज गर्ग जी कुछ कहना चाह रही थी, नागपुर से सरोज गर्ग जी हैं। सरोज गर्ग जी कुछ कहना चाह रही थी आप। जी मैं ये कहना चाह रही थी, परमार सिंह जी ने कहा कि फ्री एजुकेशन और फ्री वो मैं
नहीं मिलती है, प्लस उन लोगों ने एक हाफ टिकट मिलता था ट्रेन का, वो भी उन लोगों ने छीन लिया कि अब आप लोग अपने उससे जाइए। जबकि नेताओं ने 5 साल, सिर्फ 5 साल अगर वो लोग बैठ जाते हैं आके, उसके बाद जीवन भर वो जमाई हो जाते हैं कि हर सुविधा उनके लिए मुहैया करा दी जाती है। तो क्या हम लोग 25-30 साल सेवा करके आते हैं, हमें ये मान्य नहीं है कि हम अपनी हाफ टिकट भी ले सके? मेडिकल की तो बात ही छोड़ दी। इस बात पे मिश्रा जी और सब लोग गौर करेंगे, धन्यवाद। जी हाँ, तो इस तरह से रेज आपने किया है सीनियर सिटीजन के लिए जो सुविधाएं थी उसके बारे में एडवोकेसी की है। और दिलीप वर्मा जी, आप शायद स्क्रीन पर नहीं आ पाएंगे, आप दिलीप वर्मा जी, आपका माइक। हाँ दिलीप वर्मा जी 18 दिसंबर को पटना से आरजेएस की आजादी की अमृत गाथा करने वाले हैं। दिलीप वर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? पटना में भी इलेक्शन है, मेयर का इलेक्शन है 28 को, और 18 दिसंबर को भी इलेक्शन है पंचायत का। दिलीप वर्मा जी सर, जय हिंद। यहाँ तो इलेक्शन की तैयारी चल रही है सबके पास, पर सारे कैंडिडेट खड़े हैं अभी, अपने अपने घर लोग प्रचार प्रसार से कर रहे हैं। यहाँ के लोग में जागरूकता भी बहुत ज्यादा है, लोकल इलेक्शन है, जिस तरह दिल्ली में हो रहा है यहाँ भी अब होने जा रहा है। और कैंडिडेट लोग घर घर जा रहे हैं और अपना पक्ष में वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं सबको, और उम्मीद भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट स्वच्छ छवि को लोग उतार रहे हैं यहाँ पर, और जितने भी जनता है अच्छे लोगों को जिताएगी। ठीक है, धन्यवाद दिलीप वर्मा जी, आपका धन्यवाद। 18 दिसंबर की तैयारी करें आप, फिजिकल वर्चुअल दोनों होगा 18 दिसंबर संडे को। रैना इन्फोटेक के द्वारा जो है आजादी के अमृत गाथा के को ऑर्गेनाइजर है। दिलीप वर्मा जी तैयारी कीजिए। और यहाँ पर एक सवाल उठाना चाहेंगे कि क्या ऐसा है कि जनता से पूछकर पार्टियां उम्मीदवार खड़ी करती हैं, या पार्टियां तय करती हैं कि कौन उम्मीदवार किस इलाके में रहेगा? इस पर जरा आप लोग खुलकर बोले। तो ये पार्टियों का, ये पार्टी के लिए चुनाव नहीं हो रही है, ये लोकल लेवल का चुनाव है। यहाँ आम जनता भी चुनाव लड़ती है जिसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें, ठीक है? किसी पार्टी का सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा यहाँ पर, ठीक है? और अब यहाँ पर लोग जैसे पटना में खासकर देख रहे हैं अपने इलाके में, इस चुनाव के लिए बहुत जागरूकता होगी, हर लोग घर घर जा रहे हैं और अपने फेवर में करने की तैयारी हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कैंसिल भी हो सकती है, ऐसा फील किया जा रहा है। बाकी ईशा खान जी आप बताएं कि पार्टियों के हितों के अनुसार कैंडिडेट को खड़ा हो करना उचित है, या जनता के जो लोकप्रिय लोग हैं उनको पार्टियां इलेक्शन में उतारें? कभी कभी नजरअंदाज कर दिया जाता है, किसी को भी पार्टियां जो है लेकर आ जाती हैं और फिर मतदाता जो के फेवरेट जो लोग होते हैं वो पीछे हो जाते हैं। ईशा खान जी लगता है शाह खान जी तैयार नहीं है, अब समय भी 12:30 बजने वाले हैं। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी, जी सर। हाँ, थैंक यू। नहीं, हम केवल आपका प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनी इंडिविजुअल सिटीजन कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस, देयर इज नो पाबंदी। पॉलिटिकल पार्टीज आर फ्री टू गिव टिकट्स टू देयर चॉइसेस पीपल इन द मैनर दे वांट थ्रू कंसल्टेशन विद इन देयर पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप्स और कंसल्टेशंस विद सिटीजंस, वो उनके सोच है। लेकिन every citizen is free to fight their own elections. So hum to ye sujhav dete hain always logon ko ki people who are very well known in a constituency
who may not be politically affiliated to any political party, they can also come as independent. And more such independent candidates should come forward. And we as citizens should support them to see that the right candidate gets elected. But of course, you know, the political parties can also nominate the right candidates. There is nothing stopping them from not doing that. But mera short point ye hai ki hamare constitution mein it is allowed under the election commission also. Every individual can fight the elections in their own merit and win and come as independent candidates. And we have seen some stalwarts as independent candidates in the country who have always become very well-known leaders in the assembly or in the parliament who have come in an independent manner. Thank you. Thank you. और रूपरेखा सिंह जी भी जुड़ी हैं, पटना से जुड़ी हैं. रूपरेखा सिंह जी, रूपरेखा सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? 18 और 28 दिसंबर को पटना में इलेक्शन है. मोहम्मद इशाक खान जी, आप तैयार हो गए हो तो आप आ सकते हैं. नमस्कार, जय हिंद. नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को. और मन्ना जी, हम सब ने तो सिर्फ 75 वेबिनार के लिए वेबिनार करके अपनी पीठ थपथपाना चाह रहे थे, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे हम सब कि हम लोगों को उन्होंने धक्का दिया और आगे बढ़ाने की कोशिश की, और आज हम 104वें वेबिनार में शामिल हुए हैं. और आज का ये दिन हम लोग सब चुनाव पे अपनी मंतव्य, अपने विचार रख रहे हैं. मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ अपराध का एक वर्गीकरण होना चाहिए कि अगर कोई भी कैंडिडेट इस अपराध का अपराधी है तो उसे चुनाव न लड़ने दिया जाए. ये मतलब ये देखना चाहिए, मतलब विधि विशेषज्ञों को, कि अगर इस तरह का अपराधी है कोई तो उसे चुनाव में नहीं खड़ा होना चाहिए. चुनाव आयोग को भी इस बात को देखने की कोशिश करनी चाहिए. और जो हम कभी रोड शो किसी और मसले में नहीं करते हैं, सिर्फ चुनाव में ही रोड शो क्यों करते हैं? स्वास्थ्य को लेकर के रोड शो नहीं करते, पर्यावरण को लेकर के रोड शो नहीं करते, किसी भर्ती अभियान को लेकर रोड शो नहीं करते, किसी अच्छी बातों को लेकर रोड शो नहीं करते, लेकिन चुनाव में हम रोड शो जरूर करते हैं. तो इस तरह की बातों पर, और कभी कभी ये भी होता है कि अगर हम देश के मिनिस्टर हैं, देश के कुछ भी हैं, तो समूचे देश के लिए हम होते हैं, तो क्या हमें ज्यादातर वक्त किसी एक पार्टी के लिए जाकर के प्रचार करना ये कहाँ तक उचित है? हालांकि ये सवाल हम उठाने लायक हैं कि नहीं है, ये भी हमें सोचने की जरूरत है. लेकिन मन में आप बताइए. आप देखिए, ये विचार जो है ना वो सभी पार्टियों पर लागू होता है, किसी एक व्यक्ति पे नहीं होता है, ना किसी पार्टी पे होता है. आपने जो भी कहा है, और इसके साथ साथ देशभक्ति भी जग जाती है इलेक्शन के समय में. बिल्कुल बिल्कुल, जो 365 दिन राजनीतिज्ञों के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, मेरा रंगदे बसंती चोला, वो केवल इलेक्शन के दरमियान में दिखाई देता है. हाँ, और ये भी होता है कि हम किसी की बुराई किए बिना क्या हम अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं कर सकते? ये भी सकारात्मक एक सोच होनी चाहिए कि जब तक हम किसी की बुराई नहीं कर पाते, हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित नहीं कर पाते हैं ऐसे मौके पर. तो इस ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है. और हम ज्यादा क्या कहें, सारी बातें कह चुके हैं लोग, उन्हें भी हम अनुसरण करने की कोशिश करेंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे. जय हिंद. हाँ, ईशा खान जी, बातें बहुत सारी हैं. आरजेएस ने यूं ही नहीं इस विषय को उठाया है, क्योंकि पॉजिटिव पॉलिटिक्स जो है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं. उसके लिए मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर दिशा सही होगी तो दशा भी देश की सही होगी. तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स को जनता जाने, समझे. अभी तो आम लोगों को ही पता नहीं है कि पॉजिटिविटी होती क्या है. बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिविटी होती क्या है? एक आदमी आए थे किसी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि ये पहली बार, मैं तो देश विदेश में कई जगह गया, लेकिन मुझे ये सुन के आश्चर्य हुआ कि 7 साल से आप लोग सकारात्मक भारत आंदोलन चला रहे हैं. ये पॉजिटिविटी को देश में फैलाने का, ये तो हमने आज पहली बार एक मंच साझा किया जिसमें हमको पता चला. मैं तो चाहता हूँ कि पॉजिटिव मंत्रालय बन जाए,
बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या बात है, ये भी हमारी एक उपलब्धि है, हमारे मंच की उपलब्धि है ये। जी तो आप देखिए कितने कागज बर्बाद होते हैं इलेक्शन के दरमियान, कितने कागज बर्बाद होते हैं और हर इलेक्शन आते रहते हैं। बिजन मिश्रा जी ने कहा वन कंट्री वन इलेक्शन, आप विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सारे इलेक्शन जो है एक साथ कराने पर विचार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इस विचार को उठाया है, इसको रिफाइंड करने की आवश्यकता है। और ये उच्च पदस्थ शिखर जो लोग बैठे हुए हैं, जो नीति नियंता है, नीति आयोग है और इलेक्शन कमीशन है, वहां तक ये आवाज पहुंचाने की जरूरत है और ये आवाज तभी पहुंचेगी। उदय मन्ना जी, टेक्नोलॉजी आज ऐसा एक रूप ले लिया है कि इट इज पॉसिबल, यू सी वी कैन डू इट एट अ वेरी चीप कॉस्ट, इन अ वेरी अफोर्डेबल मैनर, इन अ वेरी फास्ट मैनर एंड इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर, प्रोवाइडेड वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी ऑल्सो इन अ मैनर दैट इट कैनॉट बी क्लोन्ड, इट कैनॉट बी यू नो इंटरफियर्ड विथ, एंड we have to bring in experts and neutral people without any political affiliation. We have to find neutral people to manage this. And there are number of citizens. हम जैसे आपको बोले कई retired लोग हैं, कई youths हैं who have yet not become active politically. You know who can give volunteer their time. जो college students हैं. You know, they can all volunteer time to make it happen. Only thing is the infrastructure to press the button. The infrastructure to press the button sitting at home. And how we can do that. Our technology experts can make that happen. I'm sure it can happen. हम लोगों को केवल इस पे थोड़ा सा एक voice उठाना है. एक voice उठाकर we have to demand. And get certain independent minded people in the elected representative domain to take it as an independent bill or bring Sanshodhan in the existing election commission. We have to get certain parliamentarians, certain elected representatives to raise this voice on our behalf. धन्यवाद सर। मैं कहना चाहता हूँ कि हम आज के मौके पर चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा चुनाव सुधार करने वाले टीएन शेषन को भी हमें याद रखना चाहिए कि जिन्होंने चुनाव आयोग को जनवाया, पूरे भारत में भी चुनाव आयोग भी एक आयोग है जो केवल चुनाव ही नहीं कराता, उसके अंदर कुछ दांत भी हैं और वो दांत जो है पैने दांत हैं, जो अच्छे अच्छे गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनको भी काट सकते हैं वो। हमें चुनाव आयोग को चाहिए कि अपने पुराने रूप में लौटे। चुनाव आयोग को एक लोग मजाक में कहते हैं केचुआ कह देते हैं, इस एब्रीवेशन बोलते हैं इसको केचुआ, तो ये केचुआ बन के ना रहे, ये चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की तरह दांत दिखाए और ताकत दिखाए और भ्रष्ट और जो दिखावा करने वाले प्रत्याशी हैं उन पे अंकुश लगाए, मेरा यही बात कहना है। धन्यवाद। बिल्कुल सही। और मिश्रा सर की एक बात मुझे ये भी अच्छी लगी कि एक ही स्टेट में कई कई चरणों में चुनाव होते हैं, रोड के इस पार इलेक्शन हो गया है तो रोड के उस पार रोड शो किया जा रहा है, तो इसका गलत प्रभाव पड़ता ही होगा। और ये भी है कि उसमें अध्यापकों को लगा दिया जाता है, तहसील कोर्ट कचहरी के कर्मचारियों को लगा दिया जाता है, तो अपना काम छोड़ करके, पढ़ाना लिखाना छोड़ करके अध्यापक चुनाव में लग जाता है, तो इस तरीके से वो समय बर्बाद होता है और बच्चों का भविष्य की बात होती है। तो उनका कहना बहुत सही बात है कि आम आदमी को सिलेक्ट करें, उनको काम भी मिल जाएगा और उनका एक मार्गदर्शन भी मिलेगा, उनकी प्रशिक्षण भी हो जाएगी, इससे जानकारी भी हो जाएगी इस सब कामों में शामिल होने के लिए। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, इसे हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ईशा खान जी धन्यवाद, सुदीप साहू जी धन्यवाद, आप लोगों ने अपने अपने विचारों को निष्पक्ष तरीके से रखा है, आपके अंदर का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं भारत की जनता का भी दर्द दिखाई दे। मन्ना जी आज का कार्यक्रम से एक रिकमेंडेशन बननी चाहिए जिसमें जितने लोग शामिल हुए हैं आज वो केवल साइन ना करें कि जितने लोगों का सिग्नेचर हम लोग ले सकते हैं लेकर उसको चुनाव आयोग में भेजना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आप लोग इतने प्रभावशाली लोग हैं, यू नो किसी एक दिन अपॉइंटमेंट लीजिए इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, आफ्टर ऑल दिस चुनाव इज ओवर, सो दैट इन अ डेलीगेशन वी कैन गो एंड सबमिट द मेमोरेंडम एंड
देन वी कैन कीप डिमांडिंग देम कि आपने इस पे क्या किया, आपने इस पे क्या किया. वी कैन कीप डिमांडिंग एंड दैट इज द वे वी हैव टू मूव. एंड इफ वी डोंट कीप अ टाइम फ्रेम ऑफ वन ईयर टू मेक इट हैपन देन आई डोंट थिंक इट विल एवर हैपन. तो हम लोगों को इसको बराबर एक निष्पक्ष रूप से इन अ रेगुलर मैनर हर फोर्टनाइट याद दिलाना पड़ेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि हमारा मेमोरेंडम कहां तक आप ले गए हैं, क्या कर रहे हैं, कमिटी गठन किए हैं कि नहीं, यू नो कितने देर में वो अपना सुझाव देंगे कि कैसे बदलाव लाएंगे, यू नो ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस टुडे, इसको एक मेमोरेंडम का रूप दीजिए आज. ये मेरा सुझाव है आपके साथ. बहुत सुंदर, बहुत सही. एक वेबिनार इस पर भी चुनाव आयोग के सामने जाते हुए भी हम लोग को कर लेना चाहिए. बिल्कुल सही, बहुत सही सुझाव. धन्यवाद. तो अब समय तो इजाजत नहीं दे रहा है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मंच फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल. जिन लोगों ने नहीं कुछ बोला है या कुछ रह गया है, परमिंदर जी कुछ बोलना चाह रहे थे. जो लोग नहीं बोल पाए हैं वो यहाँ पर आकर अपने विचार दे सकते हैं, क्योंकि अब ये 104 आजादी की अमृत गाथा को यहाँ संपन्न किया जाएगा. जैसा कि मन्ना जी आपने एक विचार रखा था कुछ समय पूर्व के जनता से ही क्यों ना लीडर ले लिया जाए, और जो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हित के अनुसार ना लिया जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत गारंटीड फोकस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड सुझाव है, और इसको मैं समर्थन भी देता हूं आपके इस मंच से, क्योंकि मैंने देखा है कि जब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उतारा गया था इन टर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेट, कि अगर कोई हमें प्रोडक्ट निकालना है, मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसका मान लीजिए नहीं ऐसा है और वो करती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच से, तो वो क्या पहले ऐसा ट्रेंड नहीं था कि पब्लिक के पास जाए और तरह तरह के सर्वेज कराएं या आर्ट कंपटीशन कराएं कि आपको कैसी गाड़ी पसंद है, तो उनकी जो मेजोरिटी ऑफ द डिजाइन होती थी बच्चों से जो निकलती थी, स्कूल से निकलती थी, कॉलेज से निकलती थी या तरह तरह के इवेंट से निकलती थी, तो मेजोरिटी ऑफ द डिजाइन जो जो निकल के आती थी उन्हीं को ही प्रिफर किया जाता था कि यही मार्केट में लॉन्च होगी, इस तरह की डिजाइन लॉन्च होगी मार्केट में गाड़ी की. तो उसी तरह से हमें पब्लिक के पास जाना चाहिए, आपको कौन सा लीडर पसंद है सर्वे करवा करके या उनके मन पसंद पोलिंग करवा करके, तो उसके अनुसार होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने हित के अनुसार ही देंगी वो ऑब्वियसली. तो इसका मैं समर्थन करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा, दूसरा परमिंदर जी एक और पॉइंट उठता है कि आखिर इलेक्शन जो है, अगर छोटे से इलेक्शन है उसमें 10-20 कितने भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं निर्दलीय के रूप में वो करते हैं. एक और पॉइंट उठता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड चुनाव आयोग से थी उसको निर्दलीय करके उतारा गया है, तो अब इस ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कितने लोग एक इलेक्शन में भाग लें उसका कुछ लिमिटेशन है क्या, उस पर भी विचार किया जा सकता है क्या? तो ये सब पॉइंट है. दूसरी एक गंदगी जो होती है इलेक्शन के दरमियान में, जो सड़कों पे पंपलेट वगैरह बिखरे रहते हैं, तो स्वच्छता अभियान की चपत लग जाती है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. जो हमारे लीडर हैं वो एक मर्यादित हों और आदर्श के रूप में उपस्थित हों. जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूकता के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है. मतलब हमें जनता में शिक्षा का प्रतिशत जितना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जनता तो लीडर तो समाज से ही आते हैं, तो समाज को शिक्षित होना बहुत जरूरी है. और मतदाता जागरूकता के लिए इसीलिए आरजेएस ने यह कदम उठाया है कि इस समय चुनाव का माहौल है और आज एनसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम लोग मतदाता जागरूकता, क्योंकि आगे भी चुनाव होने वाले हैं, तो हम लोग इस पर विचार विमर्श किए. जहां तक चुनाव आयोग तक पहुंचने की बात है तो उसके लिए तो हम लोग विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि इतने आसानी से तो पहुंचना और अपनी बातों को मनवाना, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए पूरी टीम बनानी पड़ेगी, उसको डॉक्यूमेंटेशन वो जो है ना ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी. एक बढ़िया ड्राफ्टिंग जो है आपकी बात को मनवा सकता है, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे एडवोकेट्स की जरूरत पड़ेगी. और बिजन मिश्रा जी ने इस पर इशारा किया है कि हम लोग सरकार से डायलॉग करें. तो यहाँ पर हम एक घोषणा करना चाहेंगे कि इस इलेक्शन को हो जाने दीजिए, हम लोग मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ और नए नए जो पार्षद बनेंगे उन लोगों के पास जाकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स की एडवोकेसी करेंगे.
कम से कम 10% भी अगर हम लोग कारगर हो गए तो ये भारत में बदलाव का बहुत बड़ा सूचक होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी राजनीतिज्ञों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, सिर्फ जनता तक पहुंचाने से। मेरा सुझाव ये है उदय मन्ना जी, हम लोग के पास बहुत सीमित साधन है ये समझ लीजिए, और हम लोगों को बहुत थिन स्प्रेड नहीं करना चाहिए उस साधन को। इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, बिकॉज दे आर द मेन एजेंसी हु विल टेक द डिसीजन, और उसका देखा देखी यदि हम लोगों का सफल होने शुरू हो जाएगा इलेक्शन कमीशन में, देन वी कैन स्टार्ट टॉकिंग टू इंडिविजुअल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो इंडिविजुअल्स। यू सी वी हैव टू गो टू द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज whether ruling or opposition, after we have given our representation before the election commission and followed it up for at least 6 months to see the success. Aidi 6 months mein kuch hum logo ko success milta hai, then we can spread ourselves to increase our circle of influence to go to the elected representatives of the parliament, assembly and others to join our movement. But the movement has to be focused, has to be targeted to election commission to take action on our recommendation. And in that, if we get individual elected representatives to also support us, there is nothing better than that. We can also make them write letters on our behalf to the election commission supporting our memorandum. My small suggestion. Thank you. थैंक यू। तो अब इसको यहाँ पर संपन्न करने की इजाजत दी जाए। अंत में ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को आमंत्रित कर लेते हैं, बहुत ही वरिष्ठ नागरिक हैं आरजेएस फैमिली के। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, एक बार आकर आप आध्यात्मिक तरीके से ये जो मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम हुआ उस पर आपके क्या विचार हैं? शुरू में उन्होंने गीता का रहस्य बताया था, वंदे मातरम जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम गीता के रहस्य के त्रिगुणों का अनुसरण करें, और ये अनुसरण करना हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को सिखाना ज्यादा आसान है। और जब वे सकारात्मक व्यक्तित्व जब तक नहीं होगा, सकारात्मक लोगों की फौज जब तक हमारी नहीं बनेगी, तब तक ये नकारापन का प्रभाव रहेगा। हमें नकारापन को अपने तहे दिल से, अपने स्वयं के मन से, अपनी सकारात्मक और सूर्यालोकित मन से निकाल कर नकारापन को और नकारा लोगों को समर्थन देना मन से छोड़ देंगे, तो कोई भी नकारा व्यक्ति हमारे ऊपर, हमारे राष्ट्र पर प्रभाव नहीं कह सकता है। हमारे राष्ट्र पर के मालिक हम सभी बराबर दाग हिस्सेदार है, कोई छोटा हो, बड़ा हो, एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, प्रिविलेज वाले हो, नॉन प्रिविलेज वाले हो, सभी समान रूप से अधिकारी हैं। इस अधिकार को लोगों को मानकर एक बार प्रयास करना पड़ेगा कि उसका प्रभाव क्या होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति के पास उससे मदद लेने जाते हैं, तो उसके पहले हम ये निश्चय करके 1 मिनट 30 सेकेंड ये सोच जरूर ले कि न कोई को हम गलत व्यवहार कर सकते हैं, न किसी के गलत व्यवहार से हम नकारा हो सकते हैं। इस संदर्भ में अगर प्रयास करते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये इच्छा रखते हैं, उन्हीं को दी जा सकती है, ये शाश्वत नियम है। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे ध्यान यज्ञ में योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सच्चिदानंद। जय हिंद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युथानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसी गीता जो जयंती सप्ताह चल रहा है, इसी मर्म को और धर्म को धारण करते हुए भारत उदय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ने की तरफ जो राजनीतिज्ञ हैं उनको प्रेरित करें और इसी की एडवोकेसी करें। पॉजिटिविटी की एडवोकेसी करने से सकारात्मक राजनीति निश्चित रूप से आएगी। आप सभी लोग जुड़े, जिन लोगों ने यहाँ वक्तव्य दिया, जो लोग वक्तव्य नहीं दे पाए, लेकिन हर रविवार आरजेएस वेबिनार होगा 11 नवंबर, आप जानते हैं कि 11 दिसंबर, आज 4 दिसंबर है, एमसीडी इलेक्शन और चुनाव पर हम लोगों ने चर्चा की। अब 11 दिसंबर को हम लोग उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर, और 18 दिसंबर के बारे में घोषणा करेंगे कि वहां रैना इन्फोटेक को ऑर्गेनाइजर दिलीप वर्मा जी करेंगे फिजिकल और वर्चुअल, 18 दिसंबर 11 बजे से 12:30 बजे। तो आप सभी आज जुड़े, आजादी की अमृत गाथा का 104वां कार्यक्रम जो है एक सफल कार्यक्रम है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की एडवोकेसी की गई है और बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेते हुए, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम लेते हुए ये कार्यक्रम बहुत ही अपने आप में सफल रहा है। चुनाव आयोग के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अनुसार रहा है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगले 11 दिसंबर को 11 बजे आप लोग ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हो। यहाँ पर एक घोषणा भी करना चाहेंगे, प्रफुल्ल डी सेठ जी जो हैं गुजरात बड़ोदरा से, उनकी इच्छा है कि हम लोग दिल्ली से ब्रॉडकास्टिंग हाउस की तैयारी करें। ये घोषणा एक बहुत ही अहम है, क्योंकि हम लोगों का सकारात्मक भारत आंदोलन सकारात्मक पत्रकारिता सकारात्मक भारत है, पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया। अगर ट्रेड फेयर में इतनी बड़ी सफलता अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया कर सकती है, तो निश्चित रूप से एक ब्रॉडकास्टिंग हाउस की कल्पना जो है प्रफुल्ल डी सेठ ने की है। प्रफुल्ल डी सेठ जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं और को ऑर्गेनाइजर भी हैं, आरजेएस आजादी की अमृत गाथा के कई कार्यक्रमों के को ऑर्गेनाइजर प्रफुल्ल डी सेठ जी हैं। उन्होंने एक ब्रॉडकास्टिंग हाउस की कल्पना की है, इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों के हाथ में है, ताकि हम लोग पूरे देश भर से लगातार बातचीत करें। और ब्रॉडकास्टिंग हाउस केवल नाम नहीं होगा, बल्कि 2-3 घंटे की डेली की रिकॉर्डिंग जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की जाएगी डेली। उसमें पत्रकार साथियों से भी सहयोग लिया जाएगा और जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं उसमें, देखिए बैठे बैठे हम लोग सूचना क्रांति का कितना बड़ा उपयोग कर सकते हैं, और एक मीडिया का अपना जो सकारात्मक रोल है उसको लेकर हम लोग आएंगे। जैसे आज का कार्यक्रम हम लोगों ने सफल किया है, हम लोग किसी न किसी को वोट तो जरूर देते हैं, लेकिन वोट देना हमारा अपना एक कर्तव्य है, गुप्त मतदान करना, वो किसी न किसी को अपने मनपसंद उम्मीदवार को आप दीजिए, वो आपका हक है, लेकिन साल भर उसकी चर्चा करते रहना, या आरजेएस फैमिली से हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो किसी को वोट देने की अपील करते हैं कृपया उसको ना करें, क्योंकि किसी को अपील करने की क्या जरूरत है, आप अच्छाइयां बताइए, नकारात्मकता आपको दूर करना है। लोग पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से एक दूसरे पे छिछालेदार कीचड़ उछालते हैं, महापुरुषों पे कीचड़ उछालते हैं, कृपया पॉलिटिकल पार्टियां उसको बंद करें। जो लोग एस्टेब्लिश महापुरुष हैं उनके प्रति नफरत न भरें नई पीढ़ी में, नई पीढ़ी को सकारात्मक बनाने से आपकी सकारात्मक राजनीति आगे बढ़ेगी और वही आपको जिंदा रखेगी। सारे राजनीतिज्ञ जो नकारात्मक है वो आएंगे जाएंगे, आंधी की तरह आएंगे तूफान की तरह चले जाएंगे, लेकिन जो सकारात्मक होते हैं, आज राजेंद्र प्रसाद जी को हम लोगों ने क्यों याद किया, उनसे बढ़िया उदाहरण क्या इस देश में दिया जा सकता है। राजेंद्र बाबू एक बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व रहे हैं, उनको हम लोगों ने नमन किया, जिन्होंने संविधान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको हम लोगों ने नमन किया, उनके जो सार को गही रहे थोथा दे रहा है, क्या दिक्कत है, जो उनकी अच्छाइयां आपको अच्छी लगती हैं उसको धारण कर लीजिए, धर्म बना लीजिए, जो उनकी लगती है कि ये हमें पसंद नहीं है उन विचारों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन नई पीढ़ी तक प्लीज नकारात्मकता न फैलाएं। और यहां पर जाते जाते एक और चीज कहना चाहेंगे, आप डिग्री ले लेते हैं,
लेकिन डिग्री का कहीं उपयोग अगर नहीं होता है तो वो डिग्री क्या है? कागज के समान है। आपकी डिग्री, अगर कोई डिग्री आपने लिया है, अगर उस डिग्री से समाज को फायदा होता है तब जाके वो डिग्री आपकी डिग्री है, तब आपको सम्मानित है, आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपने पता नहीं कौन कौन से डिग्री ली है, पीएचडी किया है, डॉक्टर आपके नाम के साथ है, तो आप समाज को, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सबका बेला। सकारात्मक भारत आंदोलन क्यों शुरू हुआ है? नानक जी ने कहा है कि जिसमें सबका भला हो उसमें अपना भला देखिए। इसी को हम लोग जो है अपने धर्म की तरह से धारण करके काम कर रहे हैं। जिन लोगों को भी आरजेएस का राष्ट्र सम्मान मिला है, चाहे राष्ट्रीय हो या स्टार सम्मान हो, जिन लोगों को मिला है वो क्या है? अगर वो सकारात्मक भारत आंदोलन में योगदान नहीं कर रहे हैं तो वो कागज का एक टुकड़ा है, और जो मोमेंटो मिला हुआ है वो लकड़ी का एक टुकड़ा है। यू आर नॉट फेलिसाइटेड विद द सकारात्मक भारत आंदोलन, वो एक कागज का टुकड़ा आपने लिया है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि अगर आपको वो टुकड़ा जो मिला है उसको धारण कीजिए, वो आपको सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जो कि एक इतिहास बनाने जा रहा है वो आपको दिया गया है, उसकी इज्जत करना सीखिए, नहीं तो वो कागज का टुकड़ा है, आरजेएस के हिस्ट्री में आपका नामो निशान नहीं रहेगा। ये मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो एक दिल से दिया गया आपको सम्मान है, उसको धारण कीजिए, तभी आपकी वो शिक्षा, वो डिग्री जो है मान्यता प्राप्त है, समाज उसको मान्यता देगा। और अगर नकारात्मक पॉलिटिक्स आप करते हैं समाज आपको नकार देगा, समाज आपको नकार देगा, नकारात्मक पॉलिटिक्स करके आंधी की तरह आएंगे, तूफान की तरह चले जाएंगे। इसलिए मेरे हे राजनीतिज्ञों, आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स की ओर आगे बढ़िए, और जो जनता है वो शिक्षित बने, वो कम से कम कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड ना हो, वो एजेंडा लेके ना चले, वो एक भारत के नागरिक के रूप में जो आपके आपके लिए मददगार हो, क्योंकि भारत में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बहुत ही आवश्यकता है, और ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले रविवार को फिर मिलेंगे, फिर इसी तरह के एजेंडे को लेकर आएंगे, और आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा आज योगदान दिया, चुनाव आयोग के पास भी ये अगर वीडियो पहुंचे तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग भी संज्ञान लेगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू। वंदे मातरम, थैंक यू।